मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शादियों का सीजन, हर तरफ शादी 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 के कार्ड, इनविटेशन, दोपहर की शादी, शाम की शादी, रात की शादी। अब इस साल मैं ये देख रही हूँ कि तीन किस्तों में शादियाँ हो रही हैं, खानदान की शादी, दोस्त अहबाब की शादी, पड़ोसियों की शादी। ये शादी 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 हर तरफ हो रही है और अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। इतने दिनों बाद शादियों में जाके इंजॉय करना, शादियों के बिरयानी की खुशबू, कोरमा और शीरमाल भी हो तो बहुत मज़ा आता है। जो टिक्के फ्राई हो रहे होते हैं उनका धुआं, आ मैं मतलब शादी के खाने से जो, और वो जो सैलेड बार है, बड़ा वो कहते हैं ना, सोच के रखा हुआ है कि डाइट जब ख़त्म होगी तो ये धावा बोलना है शादियों के खाने पर। लेकिन सच्ची बात ये है, आपस की बात ये है कि जिसके घर में शादी होती है, बहुत मुश्किल है भाई। अगर आप तीन तीन इवेंट्स करें, बहुत खर्चा बढ़ गया है। हम तो अब जब तीन बहनों के बाद जब चौथा नंबर, जो मेरा भाई का नंबर है, उसकी शादी हो रही है, जितना उसके एक इवेंट पर खर्चा हो रहा, हमारी पूरी शादियाँ इतने में अम्मा अब्बा ने भुगता दी थी। सो लेकिन अब मैं आपसे ये कहने वाली हूँ कि जिसके घर में शादी होती है, सिर्फ उसका ही खर्चा नहीं होता, बल्कि उसके रिश्तेदार जो होते हैं उनके घर में भी उतना नहीं तो लेकिन काफ़ी खर्चा होता है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। फुप्पी, खाला, ननियाल, ददियाल, कहीं भी शादी है, सो पूरे टब्बर के लिए, यानी कि बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए नए, क्योंकि कजन्स ने अगर ये जुमला मार दिया, भाई पप्पू की शादी पर भी यही पहना था ना, भाई दिल पे खंजर चल जाते हैं। सो आपने वो जो कपड़े बनवाए हैं किसी पुरानी शादी पे या किसी नई शादी पर, उसको कैसे थोड़ा सा रद्दो बदल कर कर आगे चलाना है अगर बजट नहीं है, और कैसे आप शादी के कपड़ों पर अपने पैसे बचा सकते हैं या अपने बजट में रह कर खर्चा कर सकते हैं, ये सब सोचें जो है अम्माओं की जिम्मेदारी होती है। और अम्माएँ सोच रही होती हैं कि भाई क्या करें, कैसे बनाएंगे। अच्छा, जो मेरा पुराना दुपट्टा भरा हुआ रखा हुआ है ना, उसके साथ जोड़ा बना लो। अच्छा, जो मेरा वो वाला रखा हुआ था ना पुराना चुनरी का, तुम्हें शर्ट पसंद है ना, तो उसके साथ घाघरा सिलवा लो, शर्ट वो पहन लो, उसके साथ तंग पजामे के बजाय घाघरा चला लो और अच्छा सा दुपट्टा बनवा लो, तो बजट बच जाएगा। तो अम्माएँ अपना बजट बचाने के लिए बच्चियों को बहुत आइडियाज़ देती हैं। लेकिन बच्चियाँ कहाँ, पिंटरेस्ट से देख लिया डिज़ाइन, गूगल से देख लिया डिज़ाइन, इंस्टा पे, ये मेरी दोस्त ने पहना था इसी तरह का, मेरी बेटी ने भी मेरे साथ इस दफ़ा ऐसे ही किया है। मैं कहाँ कहाँ काम कराने, कढ़ाइयों के लिए ऐसी ऐसी मार्केटों में गई हूँ जहाँ मैं कोई 10-15 साल बाद गई होंगी, मास्क लगाती थी, मुँह पे दुपट्टे लपेट के, अच्छा जी ये कपड़ा है आपके पास, होता है कामदानी, आपके पास होता है दबका, हाय दबके की कढ़ाई 60,000 रुपये की हो गई है, मतलब मैं तो शॉक्ड हो गई। जब मैं खुद बाजारों के चक्कर काटे हैं तो मैं हैरान हो गई, ये कपड़ा इतने का होता था अब इतने का हो गया, क्योंकि कितने अरसे से तो मैंने अपने लाइक कहीं शादी में आने जाने वाले कपड़े बनाना बंद कर दिए थे, मैं डिज़ाइनर से लेती थी, अच्छा जी पहने और उसको वापस कर दिए, क्योंकि जैसे वक्त बदलता गया मेरी चॉइसेस चेंज हो गई। अब मैं आम तौर पर जब शादियों में खुद जाती हूँ तो मैं बहुत जर्क बर्क कपड़े नहीं पहनती, जैसे मैंने अभी भी पहना, ये भी मेरे लिए एक जर्क बर्क कपड़ा है, मतलब बहुत काम हुआ हुआ है। मगर अगर जब मैं शादी में जाती हूँ तो मैं मेरी प्रेफरेंस अपने लिए ये है कि मैं मेरा प्लेन रॉ सिल्क या सिल्क का कोई खूबसूरत अच्छा सा कपड़ा हो, प्योर कपड़ा हो, उसका अच्छा सा काटो और उसके साथ कोई ज़बरदस्त काम हुई हुई शॉल हो या दुपट्टा हो बड़ा सा, और ज़रा ज्वेलरी अच्छी हो। सो मैंने अपना स्टाइल कुछ अरसे से ये कर दिया। सो अगर मैं आपको अपनी तस्वीरें भी दिखाऊंगी, जो कि अभी तुम लोगों ने कर लिया सेट के, नहीं दिखा सकती हूँ तो बाद में दिखाऊंगी, हैं भाई मेरी तस्वीरें हैं तुम लोगों के पास, अच्छा बाद में दिखाऊंगी। सो जो तस्वीरें हैं ना मेरी, मैं आपसे शेयर करूंगी रियल, जहां मैं शादियों में गई हूं, चाहे वो मिनाल की शादी हो, चाहे सुल्ताना आपा की नवासे की शादी हो, पोते की शादी हो, सॉरी। सो हर जगह जहां भी मैं गई हूं ना, मैंने ज़्यादातर कोशिश ये की है कि मैंने प्लेन कपड़े पहने, और अपने भाई की शादी के लिए भी मैंने कुछ ऐसी ही तैयारी की है। एक जोड़ा मैंने हारिस शकील से बनवाया है, तो उसको भी मैंने कहा है आस्तीनों पे काम रखना, बाकी प्लेन रखा है। आपका स्टाइल, आपकी चॉइसेस वक्त के साथ बदलती हैं और फिर आप अपनी पर्सनालिटी जो है ना उसकी अकासी कर रहे होते हैं।
तो वैसे भी अब मैं अपनी बेटी के बारे में बता रही थी कि उसको चाहिए घाघरे, हर चीज में उसने घाघरे पहनने उसका ये शौक है। कुछ बच्चियों को तंग पजामे अच्छे लग रहे होते हैं अंगरखों के साथ, कुछ बच्चियों को जी सलवार कमीज नहीं पहननी, उन्होंने जो है वो तंग पजामे, घाघरे और क्या क्या होता है गरारे, बहुत सारी चीज़ें इन हैं। तो आज मैं कुछ सेलिब्रिटीज से आपकी मुलाकात कराऊंगी अलग अलग एजेस की, और वो अपनी सर्दियों की शादियों के कपड़े आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, कराची में तो सर्दियों गर्मियों की शादियों में इतना कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन लाहौर में और जो पंजाब है जहाँ सर्दियाँ होती हैं, पेशावर पंजाब और दूसरे मतलब लाइक शहर हैं और सूबे हैं हमारे, उनमें जहाँ सर्दियाँ होती तो कपड़ों का मटेरियल भी बदल जाता है। अब आप देखेंगे ना, मरियम नवाज़ के बेटे की शादी हो रही है, तो आप देखिए उन्होंने धोमी अंसारी का ग्रीन पूरा वेलवेट का जोड़ा जो है वो जेब तंग किया, उस पर उनको शॉल वॉल की ज़रूरत नहीं, और माशाल्लाह ऐसा लग रहा है मैं दो दो दुल्हने नज़र आई हैं, बड़ी वो भी बड़ी सजी संवरी सी हैं, उनकी बहू भी। सो आजकल बड़ी शादियाँ इर्द गिर्द हो रही है, आपको बड़े आइडियाज़ भी मिल रहे हैं। इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊँ, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ मशहूर शादियों के पैकेजेस जिसमें खुद दुल्हन ही नहीं सजी हुई बल्कि दुल्हन की दोस्तें, उनकी कजन्स वगैरह, उन्होंने भी बड़े अच्छे कपड़े पहने। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। जो आप पैकेजेस आपने देखे, सेलिब्रिटी की तैयारियां आपने देखी कि जब भी वो जाते हैं शादियों में तो अब वो भी किसी से कम नहीं लग रहे होते और खूब तैयारी होती है। तो आज सेलिब्रिटीज़ मेरे पास यहाँ मौजूद हैं और वो दिखाने वाले हैं आपको अपनी वार्डरोब, जिस तरह वो शादियों में तैयार होके जाते, ताकि आपको उनसे बहुत सारे आइडियाज़ पिक करने का मौका मिले। तो पहले मैं एक ऐसी सेलिब्रिटी को बुला रही हूँ जो बड़ी रखरखाव वाली हैं, वो आपको अक्सर शादी या उनकी आप अगर आप इनका इंस्टा देखेंगी तो शादी दावतों में जाती हुई नज़र आती है, भले वो टच बेस ही करें। अगर एक दिन में तीन शादी है लेकिन दोनों मियाँ बीवी ज़रूर हाज़िरी देते हैं, और इसीलिए बहुत सारे कपड़े उन्होंने जमा करके रखे हुए अपने पास, क्योंकि यहाँ वहाँ जाने के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। अब तो मांग मांग के पहन लेते हैं, मैंने तो अपनी वार्डरोब छानी तो मेरे पास तो नज़र ही नहीं आ रहे थे, कहें हाय मैं क्या लेकर आऊँ, लेकिन इनके पास बहुत ज़खीरा है। आइए वेलकम करते हैं जवेरिया साउथ को उनके वार्डरोब के साथ, शादियों के वार्डरोब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत प्यारी लग रही हूँ माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अच्छी लगती हो। और एक तुम्हारी मोहब्बत है, मैंने देखा हमेशा माशाल्लाह, जैसे होता है ना सऊद भाई की भी इतनी ज्यादा दोस्त हैं और जवेरिया की भी इतनी, और हम लोग को मैचिंग भी करनी पड़ती है, मैचिंग भी। अरे ये वाली बात। अच्छा, मेरे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि यासिर जो है वो घर से आ रहा था और मैं कहीं और से आ रही थी, उसको शूटिंग से आया था, उसको नहीं पता था मैंने क्या कपड़े पहने। मैंने पर्पल पहने थे किसी शादी में, इत्तेफाक से यासिर जब आया, बल्कि शादी नहीं कुछ शो था हमारा, सो हम दोनों इत्तेफाक से पर्पल हो गए। मैंने कहा है हम तो जवेरी और साउथ बन गए, ये एक वो बन चुका है अब पहचान के जवेरी और साउथ मैचिंग कर रहे कपड़े। जब हमारी ये पता कैसे हुआ था, जब हमारी पहली बार शादी की तारीख तय हुई थी 2004 की बात है। अच्छा, तो जब हमारी शादी की पांच की जब हमारी शादी की तारीख तय हुई तो उस वक्त गोल्डन मेरे भी गोल्डन थे और साउथ ने भी अपने गोल्डन बनाए। ओ, तो फिर तब से शुरू हुई। हाँ, तब से मैचिंग। अभी तक ऐसा होता है तुम लोग ये रिवाज कायम रख पाते हो? अभी तक ऐसा है, और बच्चों को भी हम लोग की लड़ाई होती है ना तो फिर नहीं होता, समझ जाए। अगर सऊद और जवेरी अलग अलग कपड़े पहन के, अलग अलग कलर के कपड़े पहन के आए, अलग अलग मटेरियल के कपड़े पहने, तो इनके बीच में हुआ है झगड़ा। सऊद में ये कह रहे भाई अभी मैं पर्पल कलर तो ये कहाँ से लाऊं, ये वाला जो तुम्हारा कलर है मेरे पास तो है ही नहीं। हाँ। मैंने कहा मैं लेकर आई थी अपनी शर्ट, नहीं वो वाला मैं नहीं पहनता मटीरियल, वो बहुत चुभने वाला मटीरियल। हाँ, है मैंने कहा पहनना है तो वही पहने, नहीं पहनना तो मर्जी। तो जी यहाँ हमसे जवेरिया अपने वार्डरोब को डिस्कस करेंगी। मैं अब नेक्स्ट गेस्ट भी बुला रही हूँ, सारे गेस्ट इकट्ठे आ जाएंगे फिर एक एक करके। अब जिस पर्सनालिटी को, जिस गेस्ट को मैं बुला रही हूँ, वो खुद हमेशा मैंने उनको बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए देखे हैं, कोई शादी हो कोई इवेंट हो बड़े उसकी मुनासिबत से पूरा मेकअप, ज्वेलरी, बाल, कपड़े बड़े ही अच्छे पहने होते हैं और बड़ा उनको देख के सीखने का मौका मिलता है, और उनके सब पीछे पड़ गए, भाई जब तुम इतने अच्छे कपड़े खुद बनाती हो तो तुम अपनी ब्रांड क्यों नहीं शुरू कर लेती। और उन्होंने फिर सबके कहने पे ये काम भी किया, यानी एक्टिंग भी करती हैं, अब कपड़े बनाना दूसरों के लिए भी शुरू कर दिए। आइए उनके वार्डरोब में झांक के देखते हैं, वेलकम करते हैं अस्मा अब्बास।
क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कैसी है? ये भी आपने अपना ब्रांड पहना हुआ है? जी बिल्कुल, क्योंकि इसके भी ताने पड़ जाते हैं। के? कि खुद तो फलां पहना हुआ है और हमें कह रही ये ले लो। ये होता है। अच्छा बाबा, आपको मैंने सही कहा ना, लोगों ने ही धक्का दे देके कि भाई शुरू करो शुरू करो। लोगों ने धक्का दिया और दूसरी बात है कि मैं कपड़े बना बना के थक गई थी। हाँ। कितने बनाऊं और अब देखो उम्र भी कहाँ जा रही है। तो फिर यही तो मौका है अभी तैयारी का। यही तो उम्र है, वो एक पागलपन है शॉपिंग का और कपड़े बनाने का और चीजें। तो वो फिर सोचा कि मैं अब कितने अपने बनाऊं कपड़े, जितने आइडियाज आते हैं तो क्यों ना मैं अब लोगों के लिए अपनी पसंद बनाऊं। हाँ। उससे जरा मेरा दिल ठहर गया। अच्छा, क्योंकि मैं जब बनाती हूँ ना वो तो जो, वो जो आपका क्रेविंग थी ना वो निकल गई थी। खैर कि अब मैं अपने कपड़े पहनती नहीं हूँ, बस ऐसे ही शूट के लिए कभी पहन लेती हूँ वापस, फिर मुझे सुकून आ गया। अच्छा, मैं जब अपने उसके लिए कपड़े बनाती हूँ कलेक्शन के लिए तो मैं पता क्या करती हूँ, जो सबसे अच्छा बनता है देखता है दिखता ना कि ये ज्यादा अच्छा बनेगा, हाँ इसको मीडियम साइज में बनाना। ये सही है भाई, यानी कि तुम भी चला रही हो अपनी ब्रांड। ये तो सही है भाई। अभी जो तीसरी गेस्ट है हमारी ना, इनकी कोई ब्रांड नहीं है, ये इनके अपने कुछ खुद की वार्डरोब है और ये मुझे ज्यादा नहीं सजी सबरी नजर आती। कभी ये होता है कि अगर घाघरा चोली कुछ ऐसा पहन लिया और वो प्लेन कलर का है तो ये ज्वेलरी हैवी पहन लेती है, मतलब दोनों चीजें मुझे ऑपोजिट नजर आती है। अगर जोड़ा हैवी है सो ज्वेलरी वूलरी थोड़ी सी कम पहनती है, हालांकि सब कुछ कैरी कर सकती है लेकिन हमारी उम्रों में जाके फिर शायद इनको जो है ज्यादा सजने सवरने का दिल चाहेगा। हमारी उम्र कैरी तो हम तो फिर मरी जाएं। क्या? अभी भाई हमारी सेम उम्र है। नहीं प्लीज, 19-20 होगी भाई। तो आइए वेलकम करते हैं एक और चुलबुली सी एक्ट्रेस जो बहुत अच्छा सजती सवरती है अपने बाल मुनासिबत से, अपने ज्वेलरी अपने कपड़े मुनासिबत से, जो भी इवेंट है उसकी मुनासिबत से पहन के जाती है। उनकी भी तस्वीरें बड़ी अच्छी लगती है हमें। सना अस्करी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं तो बहुत अंडर ड्रेस्ड हूं आज, है ना? ये देखो जरा, ये तो हाँ। कभी दौरा एकदम धचका लगता है कि हुई इस शादी पे तुम ज्यादा ही कम शादी बन के आ गई। मैं मोर ऑफ अ कुर्ता एंड पैंट्स और यू नो उस तरह की बंदी, और घर में जो है वो सिर्फ पीजेस। ओके, जैसे शादी वाली ये वही है तुम हम में से। घर में तो खैर मैं भी ऐसी रहती हूं, मुझे सोच के घर में बिल्कुल नहीं रहती, सुबह उठते ही तैयार हो जाती हूं। नहीं करे कुछ नहीं रहा हूं, जस्ट सो नाइस मेरा भैया ऑलवेज आफ्टर मी। खुदा के लिए सना थोड़ी सी तैयार हो जा रहा है। नहीं मैं नहीं रह सकती, मेरी जो छोटी पोती है ना वो मुझे देखती कहती अम्मा मेकअप, आपको पता है कि अब अम्मा शुरू हो जाएगी। अच्छा मेरी बड़ी बहन इज लाइक दिस, अच्छा वो हर वक्त तैयार होती है। अच्छा हाँ, शी इज वेरी सिंपल बट ऑलवेज। मेरी फ्रेंड है वो अमेरिका में रहती है अंबर जमाल, तो जब हमारी 10 बजे ना सुबह धर 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 एक औरत ने इतनी लंबी हील पहनी है और स्कर्ट टाइट वाला, सुबह 9 बजे से वो तैयार घूम मेरी नंद। अच्छा और तीन कपड़े बदलती है, दोपहर में कुछ और बदलेगी शाम में कुछ और बदलेगी। बात है ना, हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब ऐसे भी लोग होते। मुझे जन्नत याद आ जाती है, जब वो छोटी थी तो उसके कोई 3-4 कपड़े हम बदलते थे। अच्छा आपको क्या बताते हैं मुशाबा के बचपन से ही आप ऐसी थी कि आपने फिट फाट हमेशा? मुझे बहुत शौक है तैयार होने का, हर वक्त मेकअप कपड़े सजना ज्वेलरी हर किस्म के शौक पाए जाते हैं। बाजार जाती हूँ हालांकि करोड़ दफा वो लिपस्टिक होगी लेकिन हाँ। फिर ले लूंगी पहले, ये तो क्या होगी तो काम आएगी। ये वो पैकेज होता है जो गाइस यू नो रियली लाइक इट, कि हर वक्त जो है वो थोड़ी तैयार है लड़कियां। हाँ। मेरे घर में मेरी बहू है और मेरी बेटी भी, उनका भी यही हाल है जो इनका हाल है। हाँ, ये घर में पजामे टी-शर्ट और तो मुझे कभी कभी कहते हैं कि ये वाला पजामा तो मैं काट के फेंक दूंगा। Oh my God. और सबसे अच्छे पता है क्या होते हैं? अपने मियाँ की टी शर्ट, देयर आर बेस्ट। मैं वो पहनती हूँ, ताकि मैं नाइट सूट भी मैचिंग पहनती हूँ, कढ़ाइयों वाले। और मैं तो सो ही नहीं सकती अगर कोई और पजामा और टी शर्ट हो, तो घबराहट हो जाती है कि मैं गलत कर रही हूँ। ये नहीं चल रहा है, जिस तरह की चादर जो है उसके साथ की क्विल्ट होनी चाहिए मैचिंग। ये सुमल आपा ने मुझे एक दफा कहा, मैं लाई थी बेड कवर, तुमने चादर नहीं बिछाई, मैंने कहा बाजी उसके साथ क्विल्ट नहीं बनी। मुझे क्या मतलब रात को सोना है कोई भी ले लो, ये तो खिलाफ है बहुत। मैं बड़ा अडोर करती हूँ इस चीज। अच्छा लेकिन आपस की बात है, चले आपने बोल दिया बहू है और बेटी तो ऐसे फॉलो नहीं। क्या आपके मियाँ भी पिक एंड स्पैन रहते हैं वैसे ही तैयार? हाय उनको तो पता नहीं, मेरे ख्याल 8-10 साल हो गए एक ट्रैक सूट ही पहनते हैं। सो क्यूट, उन्होंने तो कितनी सो क्यूट, मैं तो कहती हूँ ये किस लिए कपड़े लिए हैं? और जितना पुराना होता है ना उतना ज्यादा मजेदार होता है ना, स्पेशली लॉन के जोड़े। अब उनके लिए तो उनके लिए मैं जब गिफ्ट लाऊं ना समझ नहीं आती क्या लाऊं, ट्रैक सूट ले आऊं, ट्रैक सूट ही लाती हूं।
क्योंकि वो तो बदलते हैं, कपड़े नहीं पहनते वो। अच्छा, तो वो आपकी इस चीज को एडमायर करते हैं क्या? आपको पता है इसकी आदत है, छोड़ो करे, लेकिन मेरे बच्चे बहुत करते हैं। अच्छा, मेरी बेटियां, मेरी बेटी, मेरी बहुएं, वो लोग, और अगर मैं नहीं होती तो वो बहुत परेशान होती है कि अम्मा ऐसे नहीं है, आपको ये सूट नहीं करता। ओए वो प्लीज आप, बल्कि मेरी बहू ने अभी कुछ दिन पहले मुझे उससे कहा कि मैसेज किया ना स्कूल से कि आपने ऐसी शक्ल बनाई हुई है तो मुझे तो ये नहीं है आपकी आदत, साथ आंसू लटक रहे थे, तो आप प्लीज अपने आप को जरा ठीक रखिए। फौरन मैंने फटाफट गेटअप बदला, ये ग्रीन लाइनर लगाया और शाम वो जब आई तो खुश हो गई। ओहो, कि ये क्या यार, ऐसे होना चाहिए, ये इसको लाइफ कहते हैं। आइए आप लोगों के वार्डरोब का शुरुआत करते हैं। किससे करें शुरुआत? जवीरा तुमसे शुरू करते हैं, है ना? किसी से भी कर ले, किसी से भी कर ले। आ जाए, आप लोग अपनी अपनी जगह पे आ जाए, बैठ भी सकते हैं आप लोग चाहें। थैंक यू। ओके, अच्छा जी भाई, वैसे जवीरा का बहुत है आज शादियां, आज आज ही है, आजकल आजकल बहुत। कल तो एक मैं गई थी, एक में दो, दो में जा चुकी हूँ अब तक, नहीं आई हूँ, हाँ दो में जा चुकी भाई। आजकल क्या चक्कर है कि 3 बजे की शादी है, एक 7 बजे की शादी है और एक 10 बजे की शादी है। ये बड़ा मजा, 10 नहीं सॉरी 8 बजे की हो रही है ज्यादातर, 3, 6 और 8। मुझे तो दोपहर की ज्यादा मिल रही है आजकल, मुझे ये ट्रेंड नहीं मिली, मतलब पुराने कपड़े आपके नहीं चल सकते जो आप रातों को पहनते थे, रात वाली शादी। अब हमें 3 कपड़े बदलने पड़ेंगे, शुक्र है, क्योंकि हमें अंबर बनना पड़ेगा, क्योंकि 3 अलग अलग शादियों में जाना है। कभी कभार एक ही कपड़ा चला लेंगे, वैसे खींचती है ना मुस्लिम, यही तो मसला है, दवाइयों का मामला बहुत खराब है, मसला है यही, यही मसला है, तस्वीरें खींच गई या ये बस अब जाया हो गया, मेकअप चल जाएगा लेकिन कपड़े कपड़े नहीं चलेंगे। अच्छा भाई, सर्दियों में तुम किस तरह के कपड़े प्रेफर? देखो सर्दियों में मेरा, जैसे तुमने डे की बात की ना, तो डे में तो ये इस तरह का ये कलर भी चल जाता है, ठीक है ना, लेकिन चिपकते बहुत है अंदर, क्या पहनती है अंदर, तो इसके नीचे वैसे ही पहनना पड़ता है ना, वो तो है, लेकिन कोई ऐसा मटेरियल पहनती हो जिससे वो चिपके ना? मेरे पास ना वो है जो कॉटन की अंदर स्लिप सेट है ना, हाँ वो कॉट पहन लेती हूँ, तो कॉट सेट पे तो चिपकते हैं वो, नहीं बॉडी सूट भी बड़े सही रहते हैं इसके ऊपर, बॉडी सूट भी आते हैं वो मेरे पास, वो दूसरे वाले जर्सी वाला, जर्सी वाले हैं। अच्छा, अभी ये मैंने एक, अभी वैसे तो ये मेरा कलेक्शन का था ब्लू में, लेकिन मैंने अपने लिए ये मरून में बनाया है, अभी एक शादी में पहनने के लिए। अभी तुमने नया बनवाया है ये, वेलवेट बनवाया? हाँ हाँ, ये अब ये मैं नोट कर रही हूँ कि जैसे वो पोंचो है उसमें आपकी बॉडी के कट्स वट्स नहीं नजर आते, पोंचो कहते हैं ना इसे, पोंचो ही कहते हैं, तो वो बड़ा सूट करेगा तुम्हारे उस पर, और तुम लंबी सी हील पहन लोगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये मैंने अपने जो मैंने उसके लिए कलेक्शन के लिए बनाया था जनरल जवेरिया के लिए, उसमें जो है छोटी शर्ट थी, अच्छा, और पैंट थी साथ में। अच्छा, लेकिन मैंने अपने लिए जो बनवाया ये मैंने स्ट्रेट बनवाया, तो ये वो वाला है ना जो आपने टेलर को कहा मीडियम कर दो, यही कहानी है, बाकी सब मेरे पास स्मॉल थे, मैंने मरून अपने लिए मीडियम में बनवाया, और मरून एक ही था, मरून एक ही था, तो ये अभी एक शादी होने वाली है उसके लिए बनवाया है। इसके साथ मैंने बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं दिखा दूंगी, हाँ। तो मैंने बनाई नहीं। अच्छा, रेड कलर में ये एक बनवाया मैंने, पोंचो। अच्छा, ओहो, प्राइस टैग भी दिखाओ, छुपाओ। अच्छा, ये इसके नीचे क्या पहनोगी तुम? जैसे गोल्डन गोल्डन पैंट, गोल्डन पैंट्स या टाइट्स? क्या नहीं, वो सिगरेट पैंट जो होती है ना, अच्छा वो है, थोड़ी सी कपड़ी है लेकिन थोड़ी सी ऊंची है वो मेरे पास। अच्छा अच्छा, वो इसके साथ वो मैं पहनती हूं। ये भी देखो ना, इसमें इसमें वो नहीं है, कट्स नहीं है, पता नहीं मैं रेड बहुत ही बनाया है मैंने, अच्छा लगता है। 30 साल के बाद रेड कलर बहुत पसंद है। एक जमाने में मैं तो ब्लैक रेड लगाती हूँ, एक जमाने में ये बहुत ब्लैक, मैंने ब्लैक, भाई वो सऊद ने मुझसे कहा कि किसी ने मरने से पहले कहा था कि काला रंग ही पहनना है, मैंने कहा अच्छा अब नहीं पहनूंगी। मैं तो अपनी वॉर्डरोब खोलती हूँ, मुझे सिर्फ ब्लैक व्हाइट और बेज नजर आते हैं, और अब थोड़े से ग्रेज भी आने लगे, लेकिन मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट है ना। क्या ब्रेक का टाइम हो गया? अच्छा, मैं नहीं, मैंने कहा ब्रेक कह रही है, नहीं नहीं आगे बढ़ो। अच्छा, ये जन्नत का आ गया इत्तेफाक से, ये अरे जन्नत ब्लैक का है, मतलब तुम्हारे पास वेलवेट के बड़े मजे की, ये भी हमने कल शादी में पहना है, ये मैंने पहना था, और ये जो है ये मैंने पहना था, ये जन्नत ने पहना था। अच्छा, तकरीबन एक जैसे हैं कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा अलग, जन्नत के गले पे है वो और मेरे ये स्लीव्स पे काम है। और ये देखो ये कितना मजे का है, ये वेलवेट का है, सर्दी भी नहीं लग रही होगी इसको, है ना? तो जन्नत के लिए मैंने, और जन्नत को मैंने कहा था कि अगर टसल टूटे या गिरे तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो बेचारी बार बार देख रही थी कि गिरा तो नहीं, टूटा तो नहीं, पूरी शादी में वो यही देखती रही है। तो अपना वाला दिखाओ, ये जो ब्लैक है इसका मटेरियल तुमने थोड़ा चेंज रखा है, तुम्हें गर्मी लगती है बहुत? नहीं नहीं, गर्मी नहीं लगती, ये मैंने पहले बनवा लिया था और आइडिया बाद में आया। हाँ, और तुमने आस्तीनों पे काम कर, हाँ खाली, हाँ ठीक है। और इसके नीचे वैसे ब्लैक है लेकिन मैंने गोल्डन पहना था ट्राउजर, अगर तुम ये
ये प्लेन पहनती हूँ तो क्या गले वाले में कोई हार या मेरा कोई हाँ वो हार है, इसके साथ में ब्लैक पहनती हूँ, एक हार हूँ मैं भी तुम्हें साथ 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 दिखाती रहो। अच्छा, दिखाती रहो। हाँ, ये साथ साथ दिखा है। अरे भाई चलो मैं इसको दिल रख देती हूँ। जैसे अगर जो प्लेन है उसमें क्या ज्वेलरी तुम साथ मेरे पास ये ब्लैक के लिए तो ये है, ये ज्वेलरी है वो जो ब्लैक है जो तुमने कल जी दिखा है, ये अभी जो कल पहना था, अच्छा तो वो पूरा प्लेन तुमने रखा सिर्फ हाँ। हाथों पे काम है हाँ। और तुमने उसके साथ जो ये पूरा ये नेकलेस है हाँ, एक सेकंड में निकाल लूं एहतियात से, अम्मी ला कर देती है मुझे। ये कहाँ से लाया गया? ये अम्मी पाकिस्तान से लिया है, यहाँ पे भी मिलता है कराची में भी, लेकिन ये अम्मी हम लोग भावलपुर जाते हैं ना तो ये वहाँ पंजाब जाते हैं, हाँ वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। ओ, तो ये अम्मी से मैंने दो तीन अम्मी ने मुझे दिए थे हाँ, अच्छा है ना। अब ये ब्लैक के ऊपर इतना अच्छा लगता है, ये देखो तो वो अब वो जाहिर है कोई और चीज नहीं शादी में, तो ये मुझे ये बड़ा मजा ये देखो है ना, ये देखो बहुत लगता है इसके साथ। क्लच क्या लिया तुमने साथ? क्लच इसके मेरे पास गोल्डन है, दिखाओ मैं दिखाती हूँ। क्लच ये है, ये इसके साथ तुमने वैसे थोड़ा सा मैचिंग इतनी नहीं है लेकिन हाँ। मैंने ये कल तो ये लिया था हाँ। लेकिन मेरे पास गोल्डन एक है लेकिन मैंने इतना पर्स ले लो। अच्छा एक छोटे से ब्रेक के बाद इस डिस्को औरत का सामान और दिखा दे। Good morning, Pakistan. Welcome back. Good morning, Pakistan. आज आप देख रहे हैं कि सेलिब्रिटी जब शादी में जाते हैं तो वो किस तरह अपने आप को स्टाइल करते हैं। हाँ जी जवेरिया हमें बता रही थी, जवेरिया कहाँ पहुंची? हाँ, मैं यहाँ पहुंची थी हाँ। तो मैं पहले इसका बता दूँ हाँ। कहती थी कि सारी चीजें एक साथ बताएं। अच्छा है। इसके साथ वही गोल्डन पैंट एक ही रखी हुई है, एक ही अच्छी सिल गई थी फिटिंग वाली जबरदस्त, तो वो चला होता है कभी आपके साथ ये होता है। अच्छा ये नहीं पर्स मेरा ये ले लेती हूँ कभी मैं, और जैसे अच्छा, है इसके साथ अगर डे में जाना हो तो ये ले लेती हूँ रात में वो हाँ रात में वो, और शूज मेरे अभी ये हैं ये मैं अभी लेकर आई थी जब आई थी, तो अब मैचिंग के हो गए। पहले मैं इसके साथ गोल्डन पहन लेती थी ठीक है ना, रात में पहने तो गोल्डन पहन लेना हाँ। और दिन में पहने तो सही है, तो दिन में ये पहन हाँ। लेती हूँ। और अगर हम इसके उसकी बात करें तो मैं खाली कानों में पहनती हूँ इसमें, अच्छा ज्वेलरी ज्वेलरी जो इसका ये काम बना हुआ है थोड़ा सा ये पहनती हूँ, या कभी अगर डे का हो तो फुल बावलपुर से तुम्हारी अम्मा ने ला के दिए ना ज्वेलरी सही ये। अच्छा जैसे गोल्ड वोल्ड कौन पहनता है आजकल? गोल्ड वोल्ड ज्यादा बंद हो गया, हम भी नहीं पहनते गोल्ड वोल्ड, और अब है भी नहीं इतना, ये पकड़ना लाओ। अच्छा इसके साथ में बहुत ज्यादा नहीं, बस खाली गले में ये डालती हूँ गोल्डन ही, या फिर मेरे पास एक मरून भी है माला टाइप बस हल्की सी हाँ बीच में। कान में मैं कम पहनती हूँ वैसे, क्योंकि मेरे कानों में दर्द हो जाता है, ये इसके साथ की है और ये इसके साथ के कान। तुम्हारे कानों में दर्द हो जाता है तो तुम गले में ज्यादा हाँ। कर लेते हैं। ये भी भावलपुर से ली? नहीं 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 ये मैंने लिया था दुबई से। अच्छा हाँ, सही ठीक है। अच्छा और तो इसके साथ का ये वाली फुल जब गोल्डन तुमने पर्स से लेती हूँ मैं इसके साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना भरा हुआ है कि इसके साथ इतना जरूरत नहीं है ज्यादा, तो ये ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा कहाँ है, गोल्ड का बहुत फर्क है देख रहे हैं। अच्छा 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 फर्क साफ जाहिर है, अब बताएं आप वो कौन सा वाला ज्यादा है? है ये गोल्ड है ना देखा, नहीं चमकदार तो ये है ना, आप देखे आप ये कह रही है ये ज्यादा है, बस ये ज्यादा ये ज्यादा नहीं है, नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इसमें ज्यादा है सही। अच्छा। हमारा नाम गोल्डन मम्मी है, है ना, हमारी बेटियों ने हमारा नाम गोल्डन डिस्को मम्मी और पता नहीं क्या क्या रखा है। अच्छा इसके साथ मैं क्योंकि ये कोट लंबा है तो हील्स भी लंबी चौड़ी है, इसके ऊपर कैसे चला जाता है, कैसे ऐसे ऐसे करके सब कहते बत्तक आ रही है, बहुत मुश्किल है भाई। अच्छा मेरे से पता क्या होता है, जब आउटडोर शादियां हो रही है बहुत, तो वो जो खाद नहीं होती उसमें घुस जाती है, तो वो अब मैंने इतनी लंबी नहीं भी पहनी है तो हॉल जो होते हैं ना उनमें हाँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर जिसमें हील नजर नहीं आ रही उसमें मोटी वाली पहन, बहुत आसानी रहती है। अच्छा देखिए इसमें नजर आती है हाँ, थोड़ी सी लाल पट भी है ये, माशाल्लाह वेरी नाइस भाई, वेरी ये वेल्वेट का पर्स सुने मैं तो सुना, ये मेरी बहुत पुरानी पुरानी चीजें भी है इसमें काफी, मैं घर जा रही हूँ 10-10 साल पुरानी विद दिस 10-10 साल पुरानी चीजें भी है मेरी, ऐसी बात नहीं है, मैंने संभाल संभाल के रखा है, संभाल के रखी बिल्कुल। और ये गोल्डन इसके साथ ये मैं बस एक है
जैसे वो एक पजामा में चलाती हूँ ना, वो उसकी तरह ये जूता है। ये भी मैं अक्सर चलाती हूँ। ये भाई बस हाँ, ये खाद में घुसेगा भी नहीं है ना। कितना मजे का है ना, देखो वही तो। अच्छा जी, ये साड़ी है, ये पर्पल और रेड, रेड मेरा रेड आ गया। कॉम्बिनेशन है ये, तुम दुबई से लाई हो कंफर्म। देखा, और ये मेरी शादी का कॉम्बिनेशन है। हाँ, तुम्हारी शादी की पर्पल और ये। अरे उल्टी कर दी किस साड़ी उल्टी? जोफी नहीं है ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जोफी नहीं है घर में। ये फूहड़पन मेरे से ही हो सकता है। अच्छा, ये साड़ी ये पर्पल और हाँ, इसका ये ब्लाउज, इसका ये ब्लाउज है। ओके, वेलवेट इसमें... और सेने सुनो, तो मैं सर्दी नहीं लगती इसमें? सर्दी पड़ती का है हमारे। लाहौर पहन के दिखाए है, लाहौर जाए। अगर लाहौर में तुम्हें अटेंड करनी पड़े फिर क्या करूँ? फिर ये पहनूंगी ना, इसके ऊपर जैकेट। ये भी है, ये भी है। हाँ, और अगर ज्यादा कोई गोल्डन शादी हुई तो मैं इसकी स्लीव्स जो है वो वेलवेट की लगवा दूँ। घर में टेलर होने का यही फायदा है। अच्छा, अब ये एक और साड़ी है, इसका ब्लाउज शायद मैं रखना भूल गई हूँ। इसका ब्लाउज इस बिल्कुल ऐसा है, इसका बनारसी अम्मी ने दी थी मुझे। ये बनारसी नहीं है, कामदानी नहीं, पीछे ये जो बनारसी है ऐसा ब्लाउज है इसका। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, इसको तुम काला कैसे नहीं होने देती? इसको प्लास्टिक में रखते हैं, प्लास्टिक में रखते हैं, कागज के अंदर लपेट के और प्लास्टिक में। मैंने तो रखे थे फिर भी काले हो गए। क्यों? वो सिल्वर थे और वो काले हो गए। अगर हवा लगे तो होते हैं, वरना नहीं होते। अच्छा, पहले नहीं रखे होंगे ना, फिर हवा लग चुकी है। कराची में बहुत होते हैं, लग गई उसको गंदी हवा। ये तो मैं मेरे सही कैसे होते हैं, पॉलिश कर रहे हैं? नहीं, फिर कहाँ ठीक होते हैं, हो जाते हैं पॉलिश से। मुझसे तो मैं तो कभी नहीं देखे होते हुए। फिर तुम एंटीक बना के पहनो उसको, पागल। बोलो ये एंटीक है मेरे कपड़े। अच्छा, ये साड़ी है, इसके साथ जो है ना मैं कोई भी ऐसी चीज पहन लेती हूँ जो कि इसमें मैच भी करे और ना भी मैच करे। आप ग्रीन कलर का भी इसमें पहन सकते हैं। ये मेरा तो वाइट है ना, तो सभी चल जाएगा। ये मैंने अभी तक पहना नहीं है, मैं भी लेकर आई थी ये। हाँ, मैंने पहना नहीं है ये भी पहन लोगे इस पे? कोई पत्थर वाले भी अच्छे, ये भी अच्छा लगेगा ना। हाँ, ये जो ग्रीन है साड़ी के साथ, तो इसके साथ साड़ी के साथ नहीं, क्लच कैसा लगेगा? एक्चुअली गोल्डन है ना इसका, वो ब्लाउज गोल्डन है। अच्छा अच्छा, तो गोल्डन अच्छा लगेगा, ये इस पे चलेगा। इसके अलावा साड़ी के नीचे जूती क्या क्या है? गोल्डन, तो मैं फिर वो हील है चौड़ी गोल्डन, चौड़ी वाली ना, क्योंकि साड़ी पतली साड़ी होती ना, वो उसकी वो हील में अटकती है। वेजेस होते हैं ना, वो पहनती हूँ क्योंकि वो नजर अच्छा, नहीं आने चाहिए। और इसके साथ ये तो सिल्वर है, लेकिन ये वाला जो है ना, मुझे अक्सर मैं ये भी हर जगह इस्तेमाल कर लेती हूँ, ये हर कपड़े के साथ। हाँ, हाँ, ये साड़ी के साथ इस्तेमाल करती हूँ ये। हाँ, हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी करती हूँ। वो पूछ रही थी अभी मुझसे, शहजादी कहती है इस चिराग को अगर रगड़ूंगी तो जिन आएगा। तो मैंने कहा इस चिराग का जिन मेरे पास है, आप तक नहीं आ सकता क्योंकि सऊद ऑलरेडी यही मेरे पास है। तो उसको क्या शहजादी को चाहिए? अच्छा, मैं इस टाइप के ना छोटे छोटे, मुझे कोई इतना वो नहीं होता कि ब्रांड हो नहीं हो, मुझे इस टाइप की जो भी चीज अच्छी लगती है मैं लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मोती होती और वो तो कभी प्लेन कपड़े होते हैं तो मैं उसमें ये पहन लेती हूँ। और ये जैसे है कभी डे में, लेकिन ये अच्छा लगता है जब आप उस टाइप जैसे इनके जिस तरह के, हाँ, जैसे गोटे उस तरह के वाइट में और उसमें मैच करते हुए अच्छा लगेगा। अच्छा, ये जो है एक, ये कभी अभी जैसे न्यू ईयर आ रहा है तो ये मैं पैंट अभी लेकर आई हूँ। ये जैसे न्यू ईयर नाइट होती है, कोई ऐसी पार्टी होती है, 25 दिसंबर को वैसे मेरी एनिवर्सरी भी होती है, तो कभी ऐसी पार्टी वार्टी में जाना तो उसके ऊपर ये ऊपर लाहौर पहन सकती हैं। हाँ, है ना, कोई ऊपर ब्लैक कोई भी शर्ट या टी शर्ट या लाइटों की। मेरे पास ऐसी चमचमाती हुई टॉप है, मैं दे दूंगी। नहीं नहीं, टॉप तो प्लेन अच्छी लगेगी ना। नहीं, वो भी ऐसे ऐसे, वो तो नीचे पूरा चमक, नहीं नहीं पूरा नहीं ना, ये भी है ना इसके साथ। और ये किसी के सर पे मारे, कभी कभी सऊद पे गुस्सा है तो काम आएगा। बहुत भारी है, बहुत भारी। ये मेरी फ्रेंड है राना, उसने मुझे दिया था। बहुत अच्छा है, बहुत चमकदार। अभी तक मैंने यूज तो किया नहीं है लेकिन इसको अच्छा। और ये भी यूज हो सकता है इसमें अगर आप चाहें तो, ये जो दुकान मेरी लगी हुई है यहाँ पर, ये भी यूज हो सकता है। ठीक है, और ये जूता अभी खत्म नहीं हुई कहानी। डिस्को अभी आया, पर डिस्को डांसर चल रहा है, चल रहा है अभी, चल रहा है। और अगर आपके पैर नजर नहीं डिस्को डांसर बनना, तो ये भी पहन सकते हैं, दिखाइएगा जरा। कम डिस्को डांसर चिबल्ले हो गए थोड़े से ना, जूते गिर रहे हैं अब। हाँ।
ठीक है। और इसके अलावा ये वो वाले मेरे शूज हैं जो मुझे मैचिंग का कुछ नहीं मिलता था इसके साथ। ये सेफ्टी है, बस इसके लिए आपका पेडिक्योर, वो पेडिक्योर होना चाहिए वरना बहुत बुरे लगते हैं पैर। अरे वैसे बड़ा अच्छा आइडिया है कि अगर आपको कोई मैचिंग के या आपके पैरों पर कभी कभार होता है गोल्डन नहीं अच्छा लगता या सिल्वर नहीं अच्छा लगता, सो उस वक्त ये बचत है, ये बचत अच्छा लगता है हर पैरों पे। नहीं यार व्हाइट अच्छा लगता है मुझे, व्हाइट सब पैरों पे। अगर आपके पैरों का पेडिक्योर चाहे आपके सांवले भी पैर है, बड़ा मुश्किल है व्हाइट को कैरी करना, व्हाइट कैरी। हालांकि मेरे पैर सांवले हैं लेकिन अगर मैं व्हाइट पहनती हूँ ना तो वो बहुत सुथरे, इतने साफ सुथरे। नहीं योर फीट आर क्लीन ना, दैट्स व्हाई। अभी तो खैर नहीं है। अच्छा एक ये है, ये मैं नहीं होते तकरीबन हर चीज के साथ कुछ ना कुछ करके चला ही लेती हूँ। ये बड़ा अच्छा है, कुर्सी लिखी हुई है, इस पे भी है ना घड़ी, ये ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट है, ये साथ लिखा हुआ है। हाँ ये मेरी बहन ने दिया था मुझे, बहुत प्यार है, वेरी नाइस। तो ये मैं किसी चीज के भी साथ नहीं गिरेगा। अच्छा और उसने मुझे कहा था जो जो चीजें आप लेकर आई हैं तो वो ले आइएगा। तो मैंने इस दफा एक नया परफ्यूम खरीदा है, पता नहीं कैसा होगा। ये कौन सा है? अच्छा। खोलना मत क्योंकि खाली डब्बा लाई हूँ क्योंकि दो दफा मेरा टूट चुका है। कैसे देखो लेकर आए और यार सूंघू और okay. एक मैंने ये क्रिश्चियन डियोर का लिया था। क्या है ये? ऊद इस्फहान भाई, तो सबको पता है इसकी स्माइल। वही वाली बात है कि सच्ची बात है शादी में सिर्फ ये रिक्वायरमेंट नहीं होती जब आप जा रहे परफ्यूम सस्ता भी लें बहुत भर के लगाएं पर्स में ही रख लें। और एक स्पेशल चीज इस दफा जो मैं लेकर आई हूँ, अरे यार ये तो तुम ये है ब्लैक फ्राइडे की सेल, ये तो लूट लाई है। मैक, मुझे मैक बहुत पसंद है क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी एलर्जी है, लिपस्टिक हर कोई नहीं लगा सकती, मेरा गला खराब हो जाता है। तो मैक की जितनी मिली हर कलर ले आई, सारे शादियों में पाकिस्तानी ऑरेंज रेड मरून सब शादियों में पाकिस्तानी कोई 12,000 या 13,000 का पड़ा है ये सिर्फ। वाह क्या बात, मैं तो देखकर इतनी सारी लिपस्टिक्स हैं ये क्या हुआ। मैंने कहा चलो इस दफा लूट लिया मैंने। और एक ये स्पेशल परफ्यूम भी है मेरे पास, डेंग डेंग डेंग, इसका नाम देखें आप क्या है, क्या है, क्या इसकी इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी लेकिन सऊद नाम है इसका, इस वजह से मैंने ले लिया। पहले नहीं था घर में, एक और ले आई इसको मैं अपनी मर्जी से यूज कर सकती हूँ। हाँ, ये मेरी मर्जी से डब्बे में बंद करके रखा हाँ। मर्जी से चलेगा ये डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। और मजे की बात ये है कि मैंने इस ये सऊद को बोला मैं आपके लिए लेकर आई क्योंकि मुझे इसकी खुशबू नहीं इतनी अच्छी लगी ना। सऊद कह रहे हैं जवेरिया सुसूम के देखो ये लेडीज है फीमेल छोटा क्यूट है। अभी जब से आया ऐसे ही रखा है, इस्तेमाल भी नहीं किया मैंने, बस सजा के रखा हुआ है। सोच रही हूँ कि जन्नत को लगाना शुरू कर दूँ। चलो भाई अब हम चल रहे हैं, पापा के कपड़े दिखाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल आपको डिफरेंस नजर आएगा। ये जवेरिया के थे और अब अस्मा अब्बास की तरफ। आपने भी ब्रांड का नाम रखा क्या है वैसे? अस्मा अब्बास डिजाइंस। अस्मा अब्बास डिजाइंस, हम पहले वो दिखा सकते जो बुशरा अप्पा ने जारा इन सब घर की मॉडल्स सब है, घर की मॉडल्स वो हमारे पास है, दिखा सकते हैं। इसीलिए दिखाए ना प्लीज, आप दिखाइए पहले, हम वो देखते फिर इनके कपड़े देखेंगे। इजारा और बुशापा हैं और मेरी बहू है, पैसे वैसे दिए क्या क्यों के? और मेरी बहू है और साथ सुम्बलापा की बेटी सदफ है। अल्लाह तो जब घर में इतनी खूबसूरत लड़कियां हों तो मैं खुद भी वैसे कभी कभी ऐसे रिलेटेबल है ना, मतलब वही तो ये चल रहे हैं भाई। ये मेरी बहू है, अच्छा ये मैं हूँ, ओहो ये भी मैं हूँ, वाह ये मैं हूँ ना, अच्छा आप थे, ये मेरी बहू और मैं है, ये बाजी ये भी मैं हूँ, क्या यार ये जारा है, ये मेरे वाला ये ड्रेस है। जारा ने देखे कितने अलग तरीके से पहना हुआ, ये भी है वो गर्ल्स के लिए एक अलग तरीके का है। ओहो ये मैं खुद बनाती हूँ ना, हाँ हाँ तो पहले कुछ सैंपल, ये जारा और ये सब खुद बना, आपको इतना टाइम मिल जाता है? जी जी बस वही कह रही हूँ, कह रही है ना क्रेविंग, ये सब हाथ से लगा हुआ है। बात ये कि मुझे सिलाई का बहुत शौक है शदीद, सिलाई भी आप करती हैं? तो मैं पहला सैंपल खुद बनाती हूँ क्योंकि वो मेरे दिमाग में होता है ना, तो वो फिर मैं कैसे किसी को ऐसे बताऊंगी। तो वो एक एक गोटा उसमें, बल्कि वो एक वीडियो भी है जो मैंने लगाई मशीन पे बैठी हूँ, पहले खुद बना के उसके बाद वो फिर दर्जी को दे के फिर कटिंग भी खुद करवाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी चीज कैसे लगेगी। ओह माय गॉड, तो फिर उसके बाद वो गोटे खरीदने जाती हूँ लाहौर में बहुत, जैसे आपका तो कारीगर कभी भाग ही नहीं सकता। कहेगा आधा काम तो ये खुद कर लेती है क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन उससे, मुझे मजा आता है ना, होता होगा। वही बाजी कहती है बाजारों में फिरती रहती है आपको जिस चीज से मजा, ये देखिए ये बिशापा, ये हम दोनों, ओए होए होए
आपको जिस चीज से मजा आता है ना तो वो आपको एक सुकून देती है। ये देखें, ये भी ये मैंने हमने खुद कटिंग की हुई है। अरे ज़ारा, पहली इतनी सलीकाशार एक्ट्रेस देखी है मैंने। ये वाला ड्रेस जो मैंने अभी पहना हुआ है, ये शलवारें हैं। तो आप बताएं क्या बचपन से लाइक आपको था जी, अम्मी सीती थी ना कपड़े, हाँ। तो मैं पास बैठ के ऐसे कैंची से सीती थी, अम्मी को देखती थी ना, तो शौक था सिलाई का बहुत ज्यादा। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी इसमें चीज ये है कि हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को मैंने ये डेडिकेट किया। और ये जो हीरोइनों के नाम पर सब कपड़े जो है ये हीरोइंस के नाम पे हैं। हम बताते जाएंगे, दिखाते जाएं और हम बताते कौन सी हीरोइन। जैसे एक फिल्म थी जिसका नाम था दिल लगी, उसमें मैडम शबनम जो है उन्होंने कोटियों का ट्रेंड निकाला था, कोटी पहनती थी वो, तो उसके लिए फिर मैंने कोटियां बनाई जिसमें ये शबनम कोटी है। ओहो, शबनम कोटी है। अच्छा, ये मजे की चीज ये कि आप मेहंदी वेहंदी पे भी पहन सकते हैं और आप ये वेस्टर्न कपड़ों के ऊपर भी पहन सकते हैं। जैसे कि ये शलवार, ये शलवार है, ये इसको आप ऐसे पहन सकते हैं, बीच में आप, मैंने तो वैसे व्हाइट कुर्ता रखा था और साथ इसमें कोई कलरफुल दुपट्टा, उसमें हल्का सा गोटा, तो ये, और ये कॉटन बनारसी है, पता है मेहंदी का पूरा थीम बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। फिर ये प्लेन गोटे वोटा मेहंदी पे बड़ा फंकी है यार, और लड़कियों को जो है ना वो टिपिकल कपड़े नहीं चाहिए, खासतौर पे बच्चियों। अब ये जैसी मासूम जो शरीफ बच्ची है, वो तुम्हारी शादी करते हैं। ये देखो ना, ये प्लेन सूट है, लेकिन दुपट्टे पे आफत आई हुई है इसमें। दुपट्टे पे आफत आई, ये दुपट्टा मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, मैंने इसमें लिया भी हुआ है भाई, जबरदस्त। अब ये देखिए, एक दूसरा अटायर आ गया ना आपके पास, जिसको दबका सलमा इतना नहीं पहनना। इसका हैंड प्रिंट है क्या? ये डिजिटल प्रिंट है। ओह माय गॉड, इसका नाम क्या है? इसका नाम भूल गया मुझे। ये भी हमारी खुशी, हाँ जेबा शायद, जेबा, हाँ डिजिटल प्रिंट। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा जी, फिर ये है, ये देखे ब्लू अजरक, मैं पकड़ती जाती हूँ, यहीं पे रखते जाते हैं। ये भी शबनम कोटी विद शर्ट भी मैंने, ये इसका कोटी का जरा डिफरेंट डिजाइन है, ये बांध के दिखाते हैं। हाँ, ये ऐसे करके, ये इस तरह यहाँ से ये आएगी ना, ये अंगरखा टाइप स्टाइल। हाँ जी, ऐसे करके और फिर इधर से पीछे से ऐसे बंधेगी। ओके, तो ये इस पे सारा गोटा है, ये देखे आप, सिल्वर गोटा है, और ये सब, ये रिंग्स, पता नहीं क्या क्या, ये सारा सामान लेकर आती हूँ। ये सब आपने पहला सैंपल खुद? और मैं खुद लेकर आती हूँ, खुद बनाती हूँ। जैसे ये भी शबनम कोटी है, ये तो बाहर तो पागल हो जाए लोग देख के, अमेरिका में। ये कि ये जैसे बच्चियां हैं, ये बहुत पसंद है, गर्ल्स जो है ये जीन्स के साथ भी पहनती हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कह रही हूँ कि ये चीज जो है एक सर्टेन एज वाले जो है वो शलवार कमीज बना लेंगे, व्हाइट टी शर्ट के साथ। अच्छा, ये देखे, ये फ्लोरल, क्योंकि गर्ल्स को चुभते हैं कपड़े शादी वाले बहुत ज्यादा। ये देखे, ये जैसे बच्चे आमतौर पर सर्दियों में, गर्मियों में, और वैसे क्योंकि कपड़े मेरे जो है ना ये ट्रॉपिकल, ये गर्मी सर्दी दोनों में चल रहे, क्योंकि ये नहीं है कि बिल्कुल वेलवेट या बहुत सर्दी, कराची में या जैसे ऐसी शहरों में जो नहीं होती ना सर्दी। इसके साथ ये दुपट्टा है, इनमें दो कलर्स हैं, एक में ऑरेंज और ब्लू, और ब्लू और ऑरेंज का मिला के लग रहा है। ये है जन्नत को ऐसे कपड़े पसंद है, है ना? लेकिन बस वो कहती है सख्त ना हो, बस ये शलवारें हैं सॉफ्ट हो। अच्छा, ये शलवारें हैं, ये सारी एक्ट्रेसेस पे हैं, जैसे ये वाली शलवार है, निशो शलवार है। अच्छा, निशो हमारी प्यारी निशो। अच्छा, और रीजनेबल भी होंगे मुझे ऐसा जी, निशो की शलवार। और ये देखें, ए सुनना ले गई साहब हमारी, हाँ, पकड़ के ये देखें। अच्छा, ये तकरीबन, अगर मैं आइडिया लेने के लिए, नहीं ये बहुत सस्ते कपड़े हैं। जैसे देखिए, इसलिए क्योंकि मैं खुद महंगे कपड़े नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं ले ही नहीं सकती। हाँ, लाखों रुपए के जोड़े बिल्कुल भी, और बेकार होते हैं मेरे ख्याल में तो। हाँ, एक दफा दो दफा पहने, you can't repeat. Yes. बिल्कुल जाया है ये, तो बच्ची जो है ये तो उजाड़ रही है बहुत पैसा, इसका क्या कर सकते हैं। मैं बहुत करीबी शादियां होती है ना, सो पता है भाई की बहन की। तो अब ये है कि हमारे तो भाई बहन अब हम सब बड़े हो गए, मुझे तो मौका ही जब मिलता है तो हम इसलिए, और मैं, और सबसे बड़ी बात है कि बुशरा आपा जो है ना वो काफी मुझे डोनेट करती रहती है। अच्छा, इसको पता है मेरा, पता है क्या हाल है, 15 साल पुराना सूट होगा ना, उसको नया करके बना लेती है। दुपट्टे के साथ जो मैंने बनाया था, ये देखिए जी, ये अभी बुशरा आपा ने पहना हुआ था। हाँ, और ये बहुत ही इसकी रेंज, अगर मैं बजट रेंज पूछूं कितने से कितने भाई, मेरा महंगा तरीन जोड़ा जो है ना 15,000 का, नहीं कहें इस ऊपर नहीं है। हाय हाय, वाह। इसलिए क्योंकि जैसे मैं खुद जाती हूँ तो कोई बहुत महंगा 25-30 हज़ार का मैं सोचती हूँ क्या करना है यार, एक दफा पहन के फिर खत्म हो जाएगा। हाँ, छोड़ो। हाँ। अब आपका शौक भी पूरा हो गया और आपने कपड़े भी बहुत सारे ले लिए। हाँ। तो वो बुशरा आपा सबसे बड़ा क्लाइंट है मेरा। हाँ, वो लाहौर आती है, कहती है हाँ अभी दिखाओ अब क्या बनाया, और
ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, और वो माशाल्लाह बहुत कपड़े लेती है और सब लोग ले सकते हैं। हाँ, अफोर्डेबल है ना। हाँ बिल्कुल। और ये देखिए ना, ये मैं बैठ के रात को मुझे ख्वाब में आते हैं डिजाइन, नहीं कहे चक्कर बनाती हूँ फिर ऐसा उसके अंदर ये लगेगा, उसके बहुत खूबसूरत लग रहा है इसके ये अजरक के अंदर, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, सोचती हूँ। ये कपड़े की शॉपिंग भी आप करने जी जी खुद। अच्छा, ये जीन्स के साथ भी बहुत स्मार्ट लगता है। सुनो, ड्रामे कितने छोड़ने पड़ते हैं आपको? बस उसमें से टाइम निकालती हूँ, शौक बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, ये देखो ना, इन्होंने गलत मलत रखा हुआ है। ये भी शबनम कोटी का एक डिजाइन, अच्छा प्रीटी कोटी है ना, बहुत प्यारी है। ये भी जीन्स के साथ पहन सकते हैं, इसमें अंदर ये कलर लगे, ये भी सब खुद है कि अंदर हो ये, बाहर हो ये, फिर ये गोटा हो, फिर वो हो, प्रिंटेड कपड़ा ये हो, फिर ये भी हो, टसल्स भी हो गोटे वाली, तो ये काम थोड़ा दर्जी को घर में आपने मतलब जी दर्जी मेरा घर पे ही होता है। अच्छा, ये कितना प्यारा कलर है, और ये कितना बहुत हसीन कलर है, और आप कपड़ा देखें, वेरी नाइस। वाओ, और ये खराब होने वाला कपड़ा नहीं है, लिनन है और बड़ा प्यारा, और इसके लूज फिट रखा हुआ है। ये भी देखा होगा, बाजी ने पहना, मैंने पहना था, किसी ने पहना था, तो ये बहुत प्यारा। जैसे शादियां हैं उसमें गर्मी में भी शादियां होती है, कराची में तो होती है गर्मियां, गर्मियां शादियों के अलावा भी वैसे भी ना, वैसे भी प्यार बहुत प्यार है ईद पे रमजान में। ओके, अब ब्रेक के बाद दिखाते हैं बाकी कलर, ठीक है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारी सेलिब्रिटीज की खूबसूरत वार्डरोब। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आप देख रहे हैं अस्मा अब्बास कितने खूबसूरत कपड़े, और हमें ब्रेक के दौरान ना हमसे रहा नहीं कि हमने तो और सारे देख लिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं हमने जहाँ से सिलसिला मुनकता किया था, वहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। ये बिल्कुल पाकिस्तान टेलीविजन पे कहते थे मुनकता बोलने ही वाली थी, मुनकता। मैं कहा जरा मैं इनको इम्प्रेस तो करूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये गोटे की शलवार है, हाँ, और इसका नाम है फिरदौस शलवार। फिरदौस हमारी पंजाबी फिल्मों की बड़ी प्यारी हीर राँझा वाली फिरदौस। हाँ, तो ये मैंने उनके नाम पे पूरा फुल गोटे का काम है। इसमें कलर्स भी हैं, ग्रीन है, पर्पल है, ब्लू है, इसमें बड़े प्यारे प्यारे कलर्स। ठंडा वाला भी है, पीच। हाँ, ठंडा वाला भी है और गर्म। वाओ, ये अच्छा, इसकी कॉम्बिनेशन बताएं, जैसे अगर हमने ये शलवार है तो उसके साथ क्या? भाई मैंने तो सोचा था कि व्हाइट कुर्ते होंगे और साथ ज्वेलरी पहन ले, गोटे की ज्वेलरी। ये वाली देखे ना, ये वाले ऐसे गोटे के बड़े बड़े, आजकल गोटे की ज्वेलरी के ऑर्डर्स भी वो दे सकते हैं, और साथ में व्हाइट दुपट्टा, उस पे इस तरह का हल्का सा गोटा। यार ये दुल्हन के लिए बड़ा अच्छा आईडिया भाइयों भाइयों पे, वेरी स्टर्ट शर्ट भी अच्छी लगेगी। हां, वो आपकी मर्जी है, कॉपर बना ले, कॉपर बना ले, और अगर चमकदार हो तो और। यार ये भाइयों के लिए भी बहुत अच्छा आईडिया है, कि भाइयों में लड़की को आप ग्रीन सलवार पहना दे, पीली कमीज पहना दे, दुपट्टा, ये बहुत हसीन है, वेरी फिट। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, कितना वो है ना, मतलब वेरी गर्ली बूट्स पहन ले, ये आजकल के लिए बहुत अच्छा लगेगा बूट्स के साथ। बूट्स, और ये इसमें था भी शायद नजर आया कि नहीं, जारा ने भी पहना। इसका नाम तो बताइए। इसका नाम है सना फखर स्पार्कलिंग। ओह माय गॉड, सना फखर के नाम, सना फखर के नाम पे है ये। आपने सना को बताया? जी जी बताया, बड़ी खुश हुई थी, बहुत खुश हुई थी। अच्छा जी, अब फिर हम कहाँ पहुँचे थे, बात कहाँ तक पहुँची थी हमारी, यहाँ तक पहुँची थी, ये पहुँच गई थी, ये तो हमने दिखा दी, ये बहुत वो गरारा दिखाएं, ग्रीन वाला, पेपलम वाला। ये है जी हमारे, हमें तो याद हो गया ना, दीबा गरारे, ये गरारा पूरा दिखाते ना उठा के, ये मैं दिखाती हूँ, हसीन है ये, या ये गरारा, सो कूल, आई लव इट, ओ माय गॉड। वेस्टर्न उसके साथ पहन सकते, ये भी पहन सकते, और ये इसके साथ बेशक दुपट्टा ना लें आप गर्ल्स के लिए, और ये पहना हुआ है, ये सुमलापा की बेटी सदफ है से पहना हुआ है। हाँ, वो भी दिखा। हाँ, इसमें रेड के साथ, रेड और ग्रीन दो कॉम्बिनेशन पे बनाए थे मैंने, नाइस, ब्लैक रेड और हाँ। अब ये देखे ना, ये कपड़ा मिलना, फिर एक एक रंग ढूंढना, फिर उसके ऊपर ये होगा, फिर वो होगा, मोहब्बत से बने हुए, ये बहुत प्यार से बने हुए। अच्छा जी, ये देखें, ये आपने मुझे दिखाया था, ये तो पिंक वाला दिखा चुकी हूं। हां, अच्छा, चुनरी भी दिखा चुकी हूं, वो रेड में आपने दिखाया था, वो बेल दिखाया ना रेड की, जो अलग अलग ये वाला, ये शबनम कोटी के साथ पूरा, शबनम कोटी है, हां शबनम कोटी के साथ पूरा ड्रेस है, इसकी शलवार के पैंचों पे ही है, वेरी नाइस। और ये मटेरियल बहुत खूबसूरत, ये रॉ सिल्क है, ये थोड़ा सा जरा सिल्क मैंने इनका जरा अच्छा लगेगा, रॉ सिल्क है, और ये कोटी के अंदर भी ये लगा हुआ है, ये देखिए आप, और ऊपर ये फ्रिल है, ये देखिए एक एक इसमें एक सितारों की बेल, एक सिल्वर है, एक गोल्ड है, कितना क्यूट, बहुत प्यारा है। तो और उसके अंदर जो वो लाइनिंग दी ना, खानदान में कोई एक ऐसी अम्मी या कजन या कोई ऐसी होती थी ना, प्लीज आप, प्लीज आप बनवा दें, डिजाइन कर दें, वो वाली चीज है, वो मोहब्बत नजर आ रही है, बहुत पुराना मुल्तानी काम है, इसको कहते हैं गुलों वाला काम, ये बहुत पुराना, 100 साल पहले भी यही सारा पैटर्न, हाथ का है ना जी जी, और ये अभी भी यही है।
हाँ। और ये मतलब कि वहाँ पे ट्रेडिशनल चीज है, वहाँ ये जरूर मुल्तान में लोग मुल्तान हाँ इसको गुलों वाला काम इस तरह की वो भी होती है चादरें चादर में काम होता है हाँ, मुल्तान लेकिन ये हाथ का काम है आर का काम है ये आरी का काम सर पे छोड़ने वाली चादर अच्छा हाँ वो भी मुल्तान की असल मेरून दुपट्टा है बड़ी चादर जो अच्छा अच्छा सर पे ओढ़ने वाली मुल्तान में और ये मेरून दुपट्टा है साथ में इसके साथ ये इसकी साथ ये लगाए हुए ये देखिए टसल सब वो आप दिखाए ना रेड कलर वाली आप जी जी रेड दिखा रही हूँ आपको ये वाली हाँ। ये है जी नरगिस डांसिंग डॉल ये कढ़ाई हुई है जी ये कढ़ाई है और ये नरगिस मुझे बहुत पसंद है हाँ। मैं उनकी बड़ी फैन हूँ तो इसलिए मैंने ये उनको डेडिकेट किया उनको दिया भी था पता नहीं उन्होंने पहना कि नहीं पहना वाओ अच्छा जी ये है जी हमारा साहिबा गाउन साहिबा को पता नहीं पता कि नहीं पता रेशम गाउन और अब नीली गाउन ब्लू जो है ना वो नीली गाउन है ये सब उनके नाम पे गाउन रखे बहुत अच्छा लग रहा है ये और बाबरा शरीफ में गाउन लेटेस्ट भी महविश हयात वगैरह भी तो बनाए ना कुछ भाई मुझे पुरानियों से बहुत मोहब्बत है नईयों से भी है ये जब पुरानी हो जाएंगी ना फिल्मों के दादा उनकी तो बात और है ना अच्छा ये आप एक फिल्म थी जिसका नाम था मेरा नाम है मोहब्बत उसमें बाबरा शरीफ ने मिडी गाउन पहने हुए थे तो ये मिडी गाउन है बाबरा मिडी गाउन रेशम सबके फिर ग्रेजुअली सबके नाम पे अच्छा जी ये हो गया अब ये है जी अच्छा आप क्या कहती हैं इसके साथ जो है वो जूते वगैरह कैसे पहने खुद से ज्यादा अच्छे खुद से अच्छे लगेंगे हीलों वाले चीज़ कोल्हापुरी भी अच्छे लगे कोल्हापुरी खुद से और कोल्हापुरी खुदों में इतनी वैरायटी है इतनी वैरायटी है इसके अलावा जो इन्होंने पहने हुए ना ये जो इन्होंने पहने ये पेशावरी टाइप केड़ी जिसे कहते हैं इस टाइप के भी इसको कहते हैं ताली तुम्हारा ब्लू कलर फेवरेट है ना सबसे ज्यादा ये पुराने जमाने में बड़ा डिफरेंट है ये क्या इसके ऊपर क्या लगा हुआ है ये गोटा है ओ गोटे का काम ये सब गोटा है और ये सब हाथ का है ये इसको कहते हैं ये जो गोटे वाले ये दुपट्टे और ये वाले इनको कहते हैं तारी वाले तारी ये पुराने जमाने में हमारी अम्मियां कहती थी तुम्हारा तारी वाला काम ये तारी वाला काम है इसके साथ गोल्डन ज्वेलरी झुमके अच्छा आपने एक स्टाइल रखा है अपना आपको भी खुद गोटा बहुत अट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा हर चीज पे गोटा होता है अच्छा जी ये प्लेन सूट्स हैं वो मैंने आपको जो दिखाया था ढोल वाला उसी तरह का ये भी एक है वही ना भाई अगर शादियों में किसी ने अपने आप को जैसे रखना है हाँ सिंपल रखना है प्लेन रखना है तो वो बेस्ट है ये मैं जैसे आजकल मेरा एक तरीका कार है मैंने जैसे मैंने बताया मैं तस्वीरें भी दिखाती हूँ दिखा सकते हो अगर मैं वो जो जनरली शादियों में जाती हूँ मॉर्निंग शो पे सारे शौक पूरे हो जाते हैं ना गोटे और ये अब ये मैं मिनाल की शादी पे गई थी सो देखिए मैंने प्लेन अंदर पहनी है और ऊपर से ग्लिटर वो वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये स्टाइल अच्छा है हाँ मतलब मैं प्लेन ही प्रेफर करती हूँ फिर आगे बढ़ो जरा दूसरी तस्वीर दिखाओ अब ये उसकी शादी थी सनम मेहदी की शादी ठीक है ना सो मैंने प्लेन वेलवेट पहना हुआ है और दुपट्टे पे गोटे का काम है रोजीना मुनीब के कपड़े थे सो मैं मुझे इस तरह मजा आता है ये सुल्ताना आपा के नवासे की शादी थी नहीं नवासा तो है नहीं पोते की शादी थी तो ये भी रोजीना का ही सिर्फ हास्ती साइड गलत दे दी तस्वीर में क्या गलत वो वाली साइड होनी चाहिए थी ना वो दुपट्टा हाँ उस तरह से मैंने कही तो ये आस्तीनों पे बस काम है और दुपट्टे पे काम हुआ है और ज्वेलरी वुलरी हैवी पहन ली तो मेरा गुजारा हो गया मुझे कुछ है प्लेन वाले अच्छे ये भी बहुत अच्छा लगा ये मेहंदी पे पहना था मैंने चुनरी का दुपट्टा ले लिया हार वार ले लिया और अंदर प्लेन कमीज पूरी पहन ली तो वो मुझे लगता है प्लेन में पता नहीं मैं ज्यादा ग्रेसफुल लगती हूँ इट लुक्स वेरी नाइस हाँ शबनम कोटी के साथ है नगमा शलवार यार ये तो कमाल है ओ ये क्या ब्लॉक प्रिंट है हाँ जी ये डिजिटल प्रिंट है लेकिन ये कॉटन बनारसी है सो प्रिटी ये कपड़ा फॉर्मल में भी मतलब ये फॉर्मल भी है और ये इसका नाम नगमा शलवार है नगमा एक्ट्रेस याद है ना याद है और जो दो होली जी लेना मेरा नाम मर जानी है उनको मैंने बताया था मासूम को कहती है अच्छा थैंक यू सो मच खुश हो गई ना और ये शबनम कोटी के साथ शलवारें मैच और ये भी आप कमीज आप ब्लैक कमीज के ऊपर भी पहन सकते हैं जो आप के ये फरमाइश पे होता है अच्छा जो भी ऑर्डर कोई कह देना फिर साइज का भी है हाँ। जी आप ये हमें ये वाली बना दें वो वाली बना दें फिर मैं उस तरह से उनको फिर बना देती हूँ जैसा कुछ चाहिए दुपट्टे के साथ और
ये सजल ने पहना था तो लोग पागल हो गए थे। हाँ बहुत अच्छा है। तो किसी ड्रामे में पहना है या नहीं? नहीं, वैसे चूंकि सजल से भी बहुत हमारा प्यार है, वो हाँ, फैमिली की तरह है। हाँ। तो उसको मैंने कहा भाई एक जोड़ा पहन लो, तो मैं तो थक गई ऑर्डर ले लेके, मेरे का माफ कर दे अब मैं पहनूं। मेरे से पूरा नहीं हो रहा भाई, क्योंकि मैं थोड़े से कपड़े बनाती हूँ अपनी खुशी के लिए। कोई बहुत ज्यादा, कोई ना स्टोर है, कोई ना कोई वर्कशॉप है, घर में कटिंग हो रही होती जमीन में बैठ के, खुद ही लगे होते हैं, बच्चे टैग लगा रहे होते हैं। इतनी बहुत मासूमियत से, 15 से 20 जो होते हैं मेरे, होता है एक डिजाइन में बनाती हूं, इससे ज्यादा नहीं बनाती। हां, ये शलवारें जो हैं ये बहुत ज्यादा बिकी हैं, ये जो नखमा शलवारें, निशो शलवारें, शलवारें बहुत लोगों ने ली। पता क्या, मैं तो कहती हूँ लाइक पाकिस्तान तो है ही, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे गोरे ऐसे जिनको इस तरह के काम, अजरक, ये सब एथनिक चीजें, और बहुत सारे लोगों को भी यहाँ पे वो पसंद है कि ये मतलब लाइक मेहंदी के ये कपड़े जो है ना, ये आपको बाहर कहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब ये नहीं है कि बाहर बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो वहाँ बहुत सारे कपड़े हैं, उसमें 500-500 जोड़ा होता है, 1000-1000 जोड़ा होता है, ये बेचारे है ही 15 जोड़े तो ये 15 लोग ही पहन सकते हैं। हाँ। उसके बाद अच्छा ये भी मसला पड़ जाता है कि जैसे अब ये प्रिंट है, ये मैंने उठा लिया समझे 50 गज उठा लिया, उसके बाद उसके पास है ही नहीं। अब लड़ाई पड़ गई, अजाब आ गया, क्योंकि ये चंदेरी सिल्क है ना, ये वहाँ से मुसीबत पड़ गई। अब बॉर्डर बंद हो गया, आने बंद हो गए, अब जो है बस वो, ओह माय गॉड, ऊपर से सजल ने जो पहन लिया वो जिंदगी का अजाब बन गया। हालांकि उससे खूबसूरत मैंने दिखाए, उन्होंने कहा यही लेंगे हम, सजल ने क्योंकि वो सजल को प्यारा लगा, उनको सजल लगना, क्योंकि हाँ ना ये तो मुसीबत है। मैंने कहा भाई रुको जरा, हो सकता है तुम वैसे ना लगो, पर उन्होंने कहा हमें सजल लगना है, हमने सजल। तो अब फिर मैं वहां से कहां से लाती, तो वो मुझे हर वक्त कहती थी भाई वो ही 19 का ऑर्डर, मैं कहा भाई माफ कर दो गलती हो गई। क्योंकि अब फिर मैंने फिर ये किया कि फिर मैंने इकट्ठा एक ही प्रिंट बहुत सारा उठाना शुरू किया, क्योंकि लोग तो कहते हैं यही चूलूंगी। असल में एक थान भी तो 25 गज का ही होता है, इससे बड़ा होता ही नहीं। आप वही ना, वो दुकानदार भी कहने लगे नहीं बाजी अब ये नहीं, और बहुत ही कोई बहुत ज्यादा उससे बहुत अच्छे अच्छे भी हैं। अच्छा मुझे एक और गाइडलाइन दें, आपने बोला खुस्से और खेड़ियां और कोल्हापुरी चल सकती है, आप इस पे क्या कहेंगी, या झुमके क्या चलेंगे? झुमके टिक्का टिक्का झुमके, अब मुझे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे ब्लो ड्रायर या कोई बहुत मॉडर्न परांदा सॉर्ट इस तरह के है ना, बिल्कुल जुड़ा बन जाए, जूड़ा बन जाए, ज्यादा जूड़ा बन जाए। आजकल तो बालों के बहुत मजे के, मैंने सोनिया हुसैन का देखा था ईद का टायर, वो उसने उसी तरह की कोटी पहनी हुई थी और उसने दो चुटिया बांधी हुई थी, उसके अंदर कोई कलर पिरोया हुआ था। करली बाल होते हैं, करली बालों के अंदर वो गजरे वजरे लगा के यहाँ चुटिया करके ये स्टाइल बन सकते, ये बहुत अच्छा, माथा पट्टी ये वो सब। हाँ तो घोटों की बनी हुई मिलती है, बनाते हैं लोग, बिल्कुल। तो चले भाई जबरदस्त, मजा आया आपके कपड़े देखकर। कौन कौन क्या क्या ले रहा है जरा ये तो बता दो। मैं मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है, तो गई वो, और वो ब्लू वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ये ग्रीन सलवार से सजल वाली, ये कौन, ये लड़की लेगी ये वाला सूट? ये मैं लूंगी, देखिए अब ये लेना भी चाहिए, ये गवा है, ये का ना लिया ना मैं, ऑरेंज क्यों नहीं ले रही, ये तो बिक गई, ये आपकी बिक गई, ये मैंने ले ली पहले से, बोल दूं अल्लाह से बड़ा कोई मामला। आपने ये क्यों नहीं लिया, मैं मांग रहे थे सलवार, तो क्या सज्जल वाली सलवार उनको क्यों नहीं दी? नहीं सजना सज्जल वाली ये सलवार है, इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है। अच्छा ये वाली है, वो भी प्यारा है, देखती हूं पहन के देखूंगी, वो बहुत प्यारी है। इसकी तो कमीज मैं खुद ही बना लूंगी ना, कौन की है? अच्छा ये है, ये है, और वो सज्जल वाली सफेद कमीज के ऊपर पहनूंगी मैं, हमारी शॉपिंग भी हो रही है। अब ये देखो लड़कियां अगर मुकर गई तो मैं किसको बताऊंगी, बस ये की सलवार मुझे आ जाएगी, कल दोबारा शो करेंगे, घुटने पे तो नहीं चढ़ जाएगी। ये देखिए शलवार कितनी खूबसूरत, मैं आपको पहनी हुई नजर आऊंगी कुछ ही दिनों में। नहीं नहीं, ये ऊंची शलवार का भी फैशन है। नहीं मैंने कहा ऐसा ना हो मेरी घुटनों तक, अरे भाई ऊंची शलवार का फैशन दिया नहीं यहाँ तक ना आए ना, यहाँ नहीं आएगी, ऐसे हो जाएगा। हाँ बस तो इतनी चाहिए, वो तो बुरी, उसमें पाजेब पहनना ज्यादा अच्छी लगती है। ओहो बस चौड़ी वाली पाजेब बहुत जरूरी, डन हो गया भाई। चलें जी, यहाँ डिजाइनिंग के साथ आपको फैशन वो भी मिल रही है, टिप मिल रही है, टिप्स और पाजेब वाले, ये तो देखो, ये क्या, ये तो आपने दिखाया ही नहीं, ये देखो जी ये है। ओहो ये किसकी है, कौन सी है? ये भी वही शलवारें, निशो शलवार, नखमा शलवारें, इनकी बस डिफरेंट शलवारें बहुत है, क्योंकि लोग शलवारें बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इसके साथ ये शर्ट भी आजकल मैं बहुत पसंद है, और ये ब्राउन साथ दुपट्टा मैंने इसके साथ किया है, और ग्रीन शर्ट, ये भी मतलब जो चाहे ऑर्डर पे जिस तरह से लोग चाहे उस तरह से हो सकता है। मैं वो सजल वाली शलवार दिखा रही हूं, ये रही ना सजल वाली, मैंने ले ली, बिक गई। नहीं ये सजल की नहीं है, अच्छा ये सजल, वो एक और शलवार है, वो दिख नहीं रही मुझे, कहाँ चली गई, चोरी तो नहीं हो गई अल्लाह मियां, ये लोग चोर तो नहीं है कहीं, रुके ये तो नहीं है, ये आपने एक आगे रखी है, अरे नहीं आगे है, एक आगे है, आगे आगे मेन, बिल्कुल फ्रंट पे,
ये वाली नहीं, शलवार नहीं। अरे भाई सज्जा शलवार, अगले ब्रेक में देख ये गलत बात, अभी यहाँ चोरी नहीं होगी, तो कोई तरीका नहीं है यहाँ पे, मैं इसलिए नहीं गिन के लूंगी वापस अपने कपड़े, ये कोई तरीका है बुला के, तो ये काम ये करेंगे ये लोग। कौन सी कलर की है? अरे भाई ऐसी थी वो फूल वाली शलवार थी, इतनी शलवार दो चोर कहीं के हैं? दो खड़े में थे ना यहाँ, अल्लाह खैर करे दिन के लेके जाऊंगी कहाँ ये सजा। इसके साथ की वाली कोटी है ना, देखो ना ये तुमने खरीद रही हो, वेरी नाइस। मैं सजल शलवार ले लेती हूँ। अच्छा इसका नाम ही सजल हो गया ना, ये किया था कि इसमें से एक कलर का दुपट्टा प्लेन कर दिया था और ये व्हाइट के साथ पहना था सजल, मैं भी व्हाइट के साथ ही पहनूंगी, मैंने तो ग्रीन वाला पूरी प्लानिंग कर लिया, मुझे ये ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगा, फ्रेश है ना, फ्रेश। चलो बस पहन के देखो, अब ठेला बंद कर लीजिए। अच्छा जब आप खुद जाती हैं शादी में ना, लाइक अगर आप अपनी ब्रांड के अलावा पहनते हैं तो आपके किस तरह के कपड़े होते हैं? क्या आप जैसे मैंने बताया मैं वो भी बता, मेरा ये स्टाइल है, मैंने तो कोई अपने 30 जोड़े दे दिए लोगों को, एक तो बांट दिए शादियों में, शादियों वाले सब दे दिए अपने, हाँ। बच्चियां जो बड़ी फैमिली की हो रही हैं उनको मैं कभी ले लो, जारा की भी थी दे दिए, अब जो मेरे पास चंद कपड़े हैं ना, समझे 20 जोड़े अगर हैं या 15 जोड़े हैं शादियों वाले, उनको मैं कभी किसी की कमीज किसी के साथ, किसी का दुपट्टा किसी के साथ, गरारे के साथ नीली, नीली के साथ पीली, उसका दुपट्टा लिया उसको लिया, वो नया जोड़ा बन जाता। अच्छा गरारा आपने कौन से कलर का बना? गरारे तो बहुत सारे हैं, जैसे कलर शॉकिंग पिंक है, ब्लैक है, ऑरेंज है, येलो है, उनके साथ कमीजें, कोई ग्रीन पहन ली, कभी पीला दुपट्टा ले लिया, कभी हरा दुपट्टा ले लिया, वो नए सूट बन जाते हैं। ये क्या, ये दुपट्टों के साथ चेंज करती हूं, मेरे दुपट्टे वही रहते हैं, नहीं है वही रहते, अरे वो तो मुख्तलिफ है। अच्छा अलग अलग बनारसी के ऊपर गोटा है, गरारा जो है वो अगर बनारसी है, जामावार का हरारा है, वो गोटे वाली कमीज है, कोई भी ग्रीन कलर की शॉकिंग पिंक हरारा है, उसके ऊपर वो ले लिया, ऑरेंज दुपट्टा ले लिया गोटे वाला, भैया वो मेहंदी का सामान, ऐसा सूट बनता है कि मेरे पास तो ढेर हो गए सारे सूट, अदल बदल करके नए कपड़े नहीं बनाती। ये तो वही हो गया ना, टॉप और जीन्स और वो वाली चीजें आपने कर ली, और क्या आइडिया अच्छा है, तो और क्या, और फिर अगर करने के लिए अकल भी होनी चाहिए ना, और अगर सारा एस्थेटिक्स है भाई रह जाए सारा कुछ, फिर ना मिले तो साड़ी निकाल के पहन ले, साड़ी साड़ी से तो ऐसी बचत है। मैंने अपनी एक साड़ी बनाई है गोटे वाली, अपने लिए, अब मैंने कहा पहले खुद बनाऊंगी, अभी टर्की में जो अवार्ड हुआ था उसको मैंने पहनी ब्लैक के ऊपर, यही वाला सारा गोटा है, ये वाला ये सारी साड़ी पे, ओए होए ब्लैक पे गोल्ड, तो वो और उसके अंदर कम डिस्को नहीं है ये भी? हाँ डिस्को बहुत हूँ, खाली मैं नहीं हूँ, तो खाली मैं ही नहीं, नहीं नहीं मैं तो डिस्को दादान हो रहा है। अच्छा मेरी अम्मी जो है हर किसी की शादी पे लाइक बेटियों की और बेटे के लिए भी रख के गई है, वो खुद मशीन से बैठ के ना यही गोटा पूरी साड़ी पे पूरी मोतियां वगैरह वो अपने हाथों से लगाती थी, ये उनकी मोहब्बत होती थी। अभी क्या हुआ, अभी की बात है, पिछले हफ्ते मेरी नंद के बेटे की शादी थी, और मेरी जो बहू है वो भी बहुत टैलेंटेड है, वो उसकी अम्मी डिजाइनर है, वो ऐसे वाले कपड़े बनाती है, ये वाले ऐसे वाले महंगे महंगे और बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे, तो मेरी बहू भी बहुत खूबसूरत कपड़े इस तरह के बना लेती है, वो इस तरह के नहीं बना सकती, ये गरीब नहीं बनाती, अमीर कपड़े बना, तो हुआ ये कि बच्चियों की भी यही करती है, आएगी दो तीन टुकड़े यहाँ से उठाए, मैंने कहा ये क्या बेटा उठा के, ये मामा की कमीज थी उसका इतना पैच था, ये जारा की कमीज थी उसकी बूटियां हैं, और ये फना की ये है, ये आपने जो दिया था उसकी ये कढ़ाई उतारी है, वो कर करा के, और उसकी बच्चियां एक माशाल्लाह 11 की है और एक जो है वो 4 साल की, लो जी उनके जोड़े बन जाते हैं, कितना अच्छा आइडिया है यार। अभी क्या हुआ कि वो जोड़े बनने थे, दर्जी ने जवाब दे दिया, अम्मा आप फिर कर दें, मैंने कहा अच्छा बेटा मशीन रखी मैंने रात को 11-12 बजे, और वो सिलाई कर रही थी कच्ची, मैं ऊपर की सिलाई मार रही हूँ, उसके बाद जुल्म मशीन की सुई टूट गई, अरे यार वो लगानी ना आए, घुसी नहीं है, पागल पेचकस चल रहे हैं, हथौड़े लग रहे हैं, क्योंकि वो नई मशीन थी, वो नहीं आई, समझ नहीं आई कैसे चले, लो जी वो ठप होगी दुकान 1 बजे रात को ढक हो गई, क्योंकि वो मशीन नहीं चली, लो भी सुबह वो लड़की उठी है, उसने सुई धागे से पूरे कपड़े सिए, नहीं कहे, और वो बच्चियां पहन के फिर रही थी, कोई जान नहीं सकता कि ये जो है इस तरह से, वो गम से भी कर सी लेती है, ये शौक है, ये शौक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और एक लड़की जिसको शौक नहीं है उसके कपड़े दिखा रहे हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। अब मैं चल रही हूँ उस लड़की की तरफ जो अपने कपड़े दिखा रही है, जो कि तुमने शादी पे क्या पहना था वैसे? पहले मैं खुशखबरी तो बता दूँ अपने ऑडियंस को, क्या कि मेरा एक जोड़ा बिक गया,
ये देखें पैसे, और ये मुझे निदा ने दिए अभी अभी लिए। बहुत अच्छे। हाँ, अब आप भी जल्दी जल्दी फोन नंबर नजर आ रहा होगा उस पर कॉल करें और फटाफट ले लें। मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, तुम्हारे आने पर ना पहले मैं जवेरिया तुम्हारा वो दिखा दूं। जवेरिया के भी कहाँ है तुम्हारे कपड़े, कौन से मॉल? डॉलमेन मॉल में। कौन से वाले? डॉलमेन क्लिफ्टन, हाँ, एसपीएल शॉप में। अच्छा, दिखा दें पैकेज जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं। अरे हाँ, ये पैकेज है, ये निदा ने खरीदे नहीं थे, जवेरिया में मुझे मिले। ओके, ये देखे दोनों, ये मजे है ना घर में, माँ बेटी ने एक जैसे बना लिए भाई। उफ, तो ये वही वाला है जो बनाना पड़ेगा, ये गोल्ड पजामा वही तो नहीं? हाँ वही है, सबके एक जैसा, वेरी क्यूट यार, ये आइडिया बड़ा अच्छा है सबके। ये वो कल पहने हैं मैंने शादी में, वही गोल्डन पजामा, तारीखी गोल्डन, तारीखी गोल्डन। दिखाओ, आगे बढ़ो, क्या अटक गया वापस? ओके भाई, चलो भाई लड़की, तुम मुझे बताओ तुमने शादी पे क्या पहना था? मैंने रेड पहना था और बहुत भारी था, मेरा गर्दन यू, मेरी गर्दन यू हो गई, मेरा गर्दन यू हो गया था। नहीं, मेरी गर्दन यू हो गई थी और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी सास की थी। अच्छा, शी मेड द जोड़ा, मुझे कुछ नहीं पता था प्यारा लग रहा है कि क्या पहन रही हूँ, कौन सा कलर होगा, तो इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी। खैर, एनीवे, एज ऑलवेज ऑफ वाइट, ऑफ वाइट मेरा फेवरेट कलर है, नीचे इसके थोड़े कलरफुल सी लेस लगाई हुई है एंड बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके साथ हम ये पहनते हैं, मुझे बड़ी पसंद है कपड़े सिंपल और ज्वेलरी हैवी। अच्छा, मैं तो एक काम करती हूँ, सारे ऑफ वाइट नहीं दिखाती, बिकॉज देयर मोस्ट ऑफ देम, ये है, ये तुम्हारे लिए हैवी होगा बहुत, ये मेरे लिए बहुत हैवी है, ये बहुत करीबी शादी में मैं पहन सकती हूं। ये पहन के झुक जाती है ये पहन के मैं झुक जाती जाता हूं। अच्छा, इसके साथ कुछ भी पहन सकते हैं, ये अच्छा लगा, ये भी पहन सकते हैं। सना को ना ऑर्डर दे देना, इन दोनों को देना देना, सना को नहीं ऑर्डर दे रही, नहीं सना हमें वो वाला चाहिए। मैं कोई ब्रांड नहीं है मेरा, लेकिन हाँ आप मुझसे झूठी बोरो कर सकते हैं, किराए पे मिलेगी, किराए पे जूडी बोरो कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, व्हाइट ऑफ व्हाइट दिखाओ ना, हाय ग्रीन कितना प्यारा कलर है, ये ऑफ व्हाइट बहुत अच्छा। आई लव वेयरिंग ड्रेसेस, तो ड्रेसेस मुझे खुद पर्सनली बड़े पसंद है। अच्छा, इसके साथ आई लाइक वेयरिंग चोकर्स, फंसा गया है मेरा चोकर, ये जिसमें फंसा है वो भी उठा लेते हैं। हाँ, वो भी चल सकता है वैसे, लेकिन हम ये वाला चोकर पहनेंगे इसके साथ, बिकॉज इसका गला बिल्कुल सिंपल है, तो आई लाइक वेयरिंग अ नाइस चोकर विद इट। यार मेरी गर्दन इतनी छोटी है, लेकिन मुझे चोकर इतने पसंद है, गर्दन छोटी है, तो अच्छा है ना, मुझे लंबे हारों से ज्यादा मुझे बहुत जब मैं चोकर पहनती हूं लगता है ना हाई नेक कुछ पहना नजर ही नहीं आती है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं झुमके भी, बहुत प्यारे लग रहे हैं झुमके। ये मैं चोकर पहनती हूं सकता है, हाई नेक पहनी हुई है, गर्दन ही नहीं होती। ये एक मैंने वाइफ देखी है खुद ही अपने ऊपर, नहीं मैं इसकी बिल्कुल नहीं लगी। हाँ, यहाँ ये टिप है आपके लिए कि चोकर के लिए गर्दन लंबी होनी चाहिए तभी पहने, वरना बहुत सारी लगते हैं आप ऐसे लगते हैं। ये टिप है एक, और ये वाली बात करता हूँ यार, मुझे ऑफ वाइट दिखाओ ये वाला, हाँ ये अच्छा लग रहा है। अब आप मेरा डिजाइन नहीं कॉपी कीजिएगा, समझ आ रहा है? अब तो मैं करूंगी, बहुत पता चला मैं डॉल्फिन बॉल शादी में पहनना है। पता चला मैं डॉल्फिन बॉल यार ये देना है शादी में पहनना है, ले ले। अच्छा, मैं एक और काम भी करती हूँ। अच्छा देखो, ये आइडिया अच्छा है, इस पे डोरियां लगेगी, डोरियां लगेगी नहीं, अच्छा ये डोरियां एडजस्टेबल नहीं है। अच्छा सुनो, मैं एक और काम भी करती हूँ, मेरे ऑफ वाइट कपड़े होते हैं ना, उनको मैं रंग बिरंगी करा लेती हूँ। वेरी गुड आइडिया, अच्छा नीचे से पजामा वही गोल्डन होता है। पजामा नहीं बदलूंगी, अच्छा पजामा, वो तीन चार साल से चल रहा है। उसके लिए तो मेरे ख्याल में कोई डाका शाका भगवाना चाहिए, कैसा पजामा है हमें देखना चाहिए, एक शो उसके लिए करना पड़ेगा गोल्डन पजामे के नाम। मेरे टेलर ने मुझे बोला तीन चार और बना दो बाजी आप, मैंने कहा नहीं बस ये सही है।
अब आप एक पजामा डिजाइन करेंगी, जवेरिया पजामा, जवेरिया पजामा। मेरी ड्रेस की तरफ आप तो यार बहुत लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये जो ड्रेस है ये उस शादी में पहनती हूँ जिनसे मुझे बहुत प्यार होता है, तो ये उसका ड्रेस है। अच्छा यहाँ हम आपको शादियों की तस्वीरों में सऊद और जवेरिया की लड़ाई का पता चलेगा, और सना अस्करी को किससे ज्यादा प्यार है जब ये ज्यादा पहनी हुई नजर आएंगी कपड़े, ज्यादा भरे हुए। इसके साथ भी आई लाइक वेयरिंग दीज जुमकास क्योंकि ये बहुत प्रिटी लगते हैं। अच्छा लेकिन गले का नहीं पहनती, आई डोंट वेयर इट, क्योंकि गला वैसे भी ऊंचा है ना, यहां ऊंचा भी है और काम भी है ऑलरेडी, इस पे कोई लंबा हार भी नहीं जाएगा क्योंकि वो कुर्ता पट्टी पे काम, वो छुप जाएगा, डिजाइन ही छुप जाएगा। ठीक, अच्छा और कौन सा वाला दिखाऊं? अच्छा ये सर्दियों के हिसाब से है, इट्स जस्ट अ वेलवेट जोड़ा। अच्छा और इसका दुपट्टा दिखाते हैं ना? हाँ दुपट्टा दिखा, दुपट्टा वो नहीं है वैसे, इतना हैवी नहीं है, इसके हैवी नहीं लेकिन किरण लगी हुई है, स्टाइल है कि भाई एक वेलवेट का काम करा लियो, काम बहुत महंगे हैं आजकल इसीलिए थोड़ा काम करा लिया। And I love किरण, किरण मुझे बहुत किरण है ना, उसका फैशन ब्यूटीफुल लगता है। और आजकल पता है क्या 3D किरण चल रही है, और ये गाना गाती है आजकल, तू है मेरी किरण। नहीं वो तो और वो 3D का मखत मारी जो है वो हर दूसरे के कपड़े में फंस रही होती है, शर्मिंदा हो कि मैंने लगा ली थी। वो क्या है वो जो पुराने जमाने में नहीं होती थी पन्नी वाली, हर एक की पन्नी। अच्छा मुझे ये भी पता है कि वो कुतुबा मार्केट से ना किरण लगती है पतली वाली 300 रुपए की दुपट्टे के, तो ये भी मुझे पता है। आप लगाने के स्टॉल मेरा और माल आ गया, आ गया आपका दूसरा। अच्छा ये मेरा एक लास्ट जोड़ा है, कितने प्यारे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओह आई लाइक योर इयररिंग्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारे लगते हैं। हेलो भाई मैं बोरो कर बस करो भाई, तुम्हारा बिकना नहीं है मेरा बिकना। सुनो सबसे पहले तो मैं लूंगी यार, अरे भाई चुप करो मेरी दुकान से। चले चले अब हम इसके तो पर्पल दिखा दो जल्दी से, अपने कपड़े बेचेगी थोड़ी, मैं तो बेचूंगी। अच्छा मैं कल आऊंगी दोबारा शो पे अपने बाकी कपड़े दिखा दो। लो भाई ये देख लो, हम यहाँ आते हैं, रेशम जैकेट है, रेशम जैकेट है। ओहो ये तो भाई अब ये देखो ना, ये पहन के मैं हैदराबाद बहुत बहुत जबरदस्त। देखो ये खद्दर है और ये खुश होंगे सब, वेरी नाइस, ये सब बहुत अच्छा है रेशम। ये तो मैं खरीद लूं, मेरे मियां बहुत खुश होगा भाई। ये शलवार हिट है, लो भाई ये शलवार हिट है, जसिंद जी ब्यूटीफुल शलवार। अच्छा जी ये मुल्तान की खास आरी की कढ़ाई की, ओ यार ये पहले ये माल किधर था, पहले ये माल इन्होंने निकाला नहीं था। ये पता है क्या, ये चलाकी है, पहले देखो दूसरा माल बेचो फिर अच्छा वाला ले आओ, फिर दिल ललचाओ दूसरे का। ये हाथ का काम है सारा, ये सब हाथ का काम है, वेरी नाइस, ये आरी का। अच्छा मैंने भी देखा वहाँ पे लगा रहे थे कि ये येलो वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ। कौन सा येलो जो है आप, कौन सा वाला बाजी, कौन सा वाला ये मॉडल, ये देखिए देखने के पैसे लेंगे आप, ले या ना ले देखने के पैसे। ये इसी में जैकेट है, ये गर्ल्स के लिए, ये भी गर्ल्स के लिए, हम भी गर्ल्स, हम जैसी गर्ल्स के लिए। ये भी देखिए बाबरा मिटी गाउन, वेरी नाइस। उफ यासर तुम सिंध जी, ये सिंध वाला बहुत ही खुश होगा, जरा टोपी वाला जी, ये तो ये भी मेरे वाला डिजाइन है, वो जो मैंने बूट्स वाला बताया, बाबरा शरीफ वाली तुम ले लो। ये भी सना 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 अच्छा वो खाना वाला सना फखर वाला सना। हाँ जी और ये भी है जी साहिबा मिडी गाउन। ओहो साहिबा जी, साहिबा नाम का साहिबा, ये मैं ले रही हूँ, पैसे तुम भिजवा देना, तुम्हारी प्रमोशन हो रही है साथ साथ इनके। और ये जो मैंने पहना हुआ है इसमें ये कलर है, ये इसमें कॉफ बाग बहुत सारे रंग है, इसमें से एक ब्लू कलर है ये। अच्छा जी ये देखिए, ये एक नया डिजाइन मैंने क्रिएट किया है। ओ ये मुझे समझ नहीं आया था, ये जरा समझाएं, यहाँ से ओके ये हाथ यहाँ से निकलेंगे। हाँ। और ये आप शलवार में दो हाथ मैंने पहना हुआ है पर्पल में, ये सब शलवार भी पहन सकते हैं, इसके साथ जीन्स भी पहन सकते हैं, अच्छी जो भी पहन, जीन्स जो भी पहनना चाहे, जो भी पहनना चाहो पहन लो, बस पहन लो। और ये देखो बस पहन लो। अच्छा भाई ये सिला अनसिला है ना, इसलिए कि फिटिंग, क्योंकि लेडीज जो है ना जरा थोड़ा उनकी बल्कि सर्दी के लिए तो बेस्ट है, मोटा कपड़ा है ना, बहुत अच्छा कपड़ा है, ये हल्का सा खद्दर है। अच्छा जी और ये देखिए ना, ये मेरी बुशरा आपा ने पहना हुआ है और आपने देखा होगा, लवली इसके साथ चिकन की शलवार, अच्छा कॉम्बिनेशन, बड़ा मजे के गोटा छोटा हुआ है और ये डबल शेड का, समझ रहे हो आप। अब तुम दिखाओ तुम्हारे कौन से कपड़े रहेंगे। अच्छा मेरे कौन से कपड़े रहेंगे, अच्छा इनका लास्ट वाला दिखाई, ये वही वाला है, वही वाला है, वही वाला, इसमें कलर है। नहीं नहीं रुको, अभी जैकेट और भी है। अरे भाई रुक जाए भाई, सुनो भाई ये भी देखो भी बिक रहे हैं ना कपड़े मेरे, तो दुकान अच्छे लाल आके भी मुझे दिखाई दे। हाय अल्लाह ये रह गया खरारा, दिखा ये देखो अल्लाह, ये कितना प्यारा है। और इसके साथ ये है, इसमें 5 कलर्स हैं,
ये कॉटन तो ये यहाँ से होती है ना। हाँ जबरदस्त ये करारा है, ये वो है जो आराम से आप पहन ले। कोई आई थिंक हो गई अब दुकान है, हो गई खत्म हो गई। आई थिंक हो गई। हाँ जी पर्पल लोग कंफ्यूज हैं, ये बिकने के लिए नहीं है ये मेरा है, मैं पहनने के लिए भी नहीं दूंगी। मैं पहनने के लिए भी नहीं दूंगी, सिर्फ ज्वेलरी दे सकती हूँ। ये एक पर्पल रंग का सूट है, मैं बहुत कम कलर्स पहनती हूँ तो इसकी नहीं है। तो ये एक इस तरह का है, इसके साथ सिंपल सा दुपट्टा है, सिर्फ छन पड़ी हुई है बीच में और बनारसी से इसकी पाइपिंग हुई हुई है। ओके बनारसी ही पैंट्स है इसके साथ, मुझे वो गोल्डन भी अच्छा लग रहा है कुछ। बात सुनो, ये बनारसी पैंट इसने इसलिए बनाई है कि गोल्डन पजामा नहीं है, पजामा नहीं है इसके पास, पागल है, बना लो गोल्डन बस। मैं अपने पैसे फॉर्मल कपड़ों पे जो है जाया करती हूँ, महंगी तरह एक ही पजामा नहीं चलाती 15 सूटों के साथ। अच्छा इसके साथ भी आप कुछ भी गोल्ड पहन लें, यू नो You can wear anything. मुझे और दूसरा वाला दिखाओ ना, तुम इसके साथ ज्वेलरी नहीं पहनो। नहीं ज्वेलरी नहीं पहनती मैं इसके साथ, स्टड्स पहनती हूं। झुमके भी नहीं पहनती? नहीं स्टड्स नहीं, इसके फुलके से स्टड्स। हाँ बिकॉज इट्स प्रीटी हैवी। अभी तुम क्या चाह रही हो, हाई नेक दिखा रही हो तुम? मैं देखना चाह रही हूँ कैसा लगेगा मुझे। मैं आपको बताऊंगी कैसा लगेगा, इधर सामने आ जाओ। नहीं वो कैमरा है ना उधर, वो अपने आप को शीशे में देख। मुझे लगेगा नहीं कि मेरी गर्दन भी है। ये जवेरिया के बताने का मकसद है पहन के। नहीं नहीं बुरा नहीं लग रहा, इट्स नॉट लुकिंग बैड, ट्रस्ट मी इट्स नॉट लुकिंग बैड। थोड़ा सा अगर छोटा होना, अगर तुम्हें शौक है थोड़ा सा छोटा वाला पहन सकते हो। सबसे बड़ी बात, आप इस पे अपने बाल बांधें। बाल बांध के मुझे तबड़ा लगेगा तो छोड़ दो अभी, लोगों को मत बताओ, मोटापा ना दिखाओ मेरा। अच्छा ये एक बड़ा सिंपल सा जैसा मैं अपनी दुकान बेच रही हूँ, खैर एरिया इसका भी नकल करूंगी। ये एक बड़ा सादा सा जोड़ा है, इसका भी डिजाइन जोड़ी करूंगी मैं। हाँ कर लें, ये आपको डॉर्मेंट मॉल में मिल जाएगा इंशाल्लाह इनके आउटलेट पे। देखो ये रह गई थी मेरी, देखो ये रह गई थी, ये देखो इसमें बादशाह वगैरह जा रहे हैं। एक सेकंड ये देखो ना, वेरी नाइस, सब लोग पालकी जा रहे हैं, अभी जाने वाले हैं तीनों। पालकी में जा रहे थे लोग, जा रहे थे ना ये लोग जा रहे हैं, तो ये देख लो सब अच्छी है। मैंने कहा रह ना जाए ना कोई माल। वेरी नाइस, अभी और दिखाओ मैं। ये रह गया ना तुम्हारा, ये रह गया मेरे पास टाइम है। वही तो आ रही थी मैं करने के। अच्छा ये एक फ्रॉक है, ठीक है इसके नीचे आप कुछ भी पहन ले, ऑफ वाइट गोल्डन पजामा, गोल्डन पजामा और इनसे ले, ये अच्छा लग रहा है। और वो देखो हार भी ला दिया तुम्हें, ये पहनो। तुम तो दिखा नहीं रही, मैंने कहा मैं ही दिखा दूंगी। क्यों पहनूं, इतनी प्यारी ज्वेलरी है। खैर एनीवे मैं कह रही हूं ये भी एक बड़ा सिंपल सा ड्रेस है, नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बिकॉज इस पे कुछ एज सच हुआ नहीं है। कपड़ा तो बेटा 50 गज लगा है। एग्जैक्टली ये देखो सिर्फ कपड़े के पैसे हैं। ये भी इस पे दिखा देती हूं मैं। हां ये भी अच्छा दिखा ही नहीं रही ज्वेलरी अपनी, वेरी प्रीटी अपनी है, बट मांग के लाई कहां से? नहीं नहीं ये मेरी अपनी है, सारी मेरी अपनी जाती। कपड़े जो है वो अभी अपने ही है। ये किसका है? यार मुझे गिफ्ट दे दो, ले ले। क्या है दिखाओ, ये इनका हो गया लुई विटॉन, ये मैंने इनको ताला लगा के लाई है, भी ले ना ले। ये एक जोड़ा है एंड दैट्स इट, मेरी दुकान बंद हो गई, आपने कुछ बेचना है और आप लोगों ने देखिए आप लोग पर्स खरीद सकते हैं इनके कपड़ों के साथ। ये तो तुमने दिखाया है, ये साड़ी है। ओके ये तो दिखाए ना भाई, ये साड़ी है वो पिंक वाला भी दिखा दे, बड़ा प्यारा। और इसके नीचे भी आप गोल्डन पजामा पहन सकते हैं साड़ी के नीचे। भाई अल्लाह ये वाला कितना प्रिटी है, चलें मैं भी बेचूं आपके कपड़े। ले लो तुम ले लो, दिस इज ये तुम ले लो, सो प्रिटी। अच्छा तुम्हें फ्रॉक्स वाले पसंद है ना? क्या उसकी टेल भी है? हाँ इसको उल्टा उल्टा उलट के दिखाओ ज्यादा अच्छा लगेगा। आउटलेट पे है ये, यहीं से खरीद लें आप, अभी उन्होंने भी तो लिया है ना। ये मुझे गिफ्ट कर दिया इन्होंने, अब ये मैं भी इंशाल्लाह ये भी साड़ी लेकर आऊंगी। दिस इज वेरी प्रिटी, ये ब्लैक साड़ी है, ये ब्लैक साड़ी और इसका काम बहुत महंगा होता है, मैं आपको बता रही हूं। आई अल्लाह तमीज सुनिए, अभी तक आपने पहना है ये वाला जोड़ा? जाएं तो जरा, मैं तो अभी चक्कर लगा रही हूं ना कुर्तबा मार्केट के, उसके जाएं तो जरा। हाय हाय हमारी तो पूरी पूरा बरी हमारी इसमें तैयार हो गई थी। ये मेरा नहीं है, जन्नत का है, लेकिन बहुत प्यारा है, वेरी प्रिटी, व्हाट अ नाइस कलर। ओके अच्छा बस दुकान बंद, चलो भाई कराची की मार्केट्स के बारे में जवेरिया बताएगी, लाहौर की मार्केट्स के बारे में आप बताएंगे। अगर हमें शादी ब्याह के कपड़े खुद सिलवाने हों दर्जी वगैरह से, तो लाहौर कौन सी मार्केट में जाए?
आपको क्या लगता है भाई? लाहौर में वैसे डिजाइनर्स जैसे कि घरों में, हमारे फैमिली में भी, दोस्तों में भी काफी काम शुरू किया है सबने। तो अब आजकल तो ये है कि तस्वीर देखो और वैसा बनवा लो, ये भी है और वो सस्ता भी पड़ता है। अच्छा, अगर हम किसी बड़े डिजाइनर का डिजाइन कॉपी कराते हैं ना, ऐसी ऐसी कॉपी हो रही है लिबर्टी पे, तो कॉपी किधर होती है? मतलब लाइक कोई ऐसी मार्केट है, जैसे हमारे यहाँ तो होती है गल्फ मार्केट के कहकशां, मगर वहाँ पे भी बहुत महंगा काम, बहुत महंगा। सस्ता है कुर्तुबा, बहुत अच्छा दिया। और हाँ, सुनो कि कभी वहां से बनवाया करीमाबाद से? नहीं नहीं, मैंने तीन चार दुल्हनों के वहीं से बनवाए हैं। हाँ, अमेजिंग। अच्छा, एक और सदर में भी है कोई? पैसों पे, जामा क्लॉथ पे? नहीं नहीं, सदर में भी एक और कोई मुझे जुबली? नहीं, और बताओ जहाँ कढ़ाइयाँ होती हैं, जुबली, सदर, मुझे किसी ने बताया था बहुत है। उतने अच्छे दुल्हन ने कपड़े पहने हुए थे, मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने बोला पता नहीं बताया था। अच्छा, मैं बताऊं, उनकी दुल्हन इस जगह पे जाएंगे ना, कपड़े पहने वगैरह पे जाएंगे ना, आपको उनके डिजाइन इतने अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा, आप अपना जो डिजाइन लेके जाए वो टिप देंगे, वो क्या बना, और आधे पैसों पे बनाते हैं वो, ये जो हम बनवाते हैं ना कहकशां और ये गल्फ से इस जगह से, उसके आधे पैसों। लेकिन आई ऑलवेज से कि जब भी शादी और राबी का चक्कर जरूरी है, है ना? बहुत राबी पे तो बने बनाए बहुत अच्छे मिल जाते हैं। यू हैव टू गो टू बने बनाए बहुत अच्छे मिल जाते हैं। 25,000 में दुल्हन का अमेजिंग ड्रेस है। हाँ, भाई अभी मुझे ना सिला के लिए कामदानी के कपड़े बनवाने, तो उसको उसने पता नहीं कहाँ से डिजाइन चूज कर लिया, कामदानी का शरारा बनवाना है। हाँ, तो अब मैं कामदानी के शरारे के तो कामदानी के तो कपड़ा मिल रहे हैं, तो मैंने यही तो किया, कपड़ा मिल रहा है क्योंकि बहुत महंगा काम हो रहा था। तो हाँ, मैंने क्या किया, कुतुबा मार्केट गई, जगह 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 ढूंढा, तो मुझे एक शॉप पे ना पूरी थान और इस तरह की चीजें मिल गई। अच्छा, भी छोटे बड़े मिक्स एंड मैच है, सिल्वर गोल्डन बड़ा छोटा। हाँ, मैंने सारी चीजों को जोड़ तोड़ के ना फिर डिजाइनिंग की, थोड़ी सी अकल मुझे भी आ गई है शो कर करके, तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा बन गया, मतलब मेरे बजट में आ गया। मटेरियल आशियाना पे भी बड़ा अच्छा मिल जाता है। हाँ, आशियाना पे बहुत अच्छा था, वो बार्गेनिंग भी बड़ी अच्छी करती है। अच्छा, जैसे आशियाना है यहाँ पे, बाहर के सारा कपड़ा मिल जाता है, लाहौर में कौन सी ऐसी मार्केट है? लाहौर में भी डिफेंस में भी मिल जाता है, लिबर्टी में बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, लाहौर सेंटर है, लाहौर सेंटर बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, लेकिन कराची में भी बहुत प्यारा कपड़ा। मैं चंदेरी से सारा लाहौर से लाई थी पहले, मैंने ना जो पहला फर्स्ट मेरी वो आई थी वॉल्यूम, वो मैंने सारा चंदेरी सिल्क का बनाया। हाँ, सुने, हम तो कंटिन्यू हैं बातें करने में, आप जरा ब्रेक के बाद वापस आइए। गुड मॉर्निंग, आप लोगों का शुक्रिया, मैं इनको नहीं जाने दे रही अभी, मैं बातें कर रही हूँ ब्रेक के दौरान। आप लोगों का शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। आप लोगों से टिप्स लेके बहुत सारी टिप्स देखने को मिली, सुनने को मिली, क्या करते हैं क्या नहीं करते। मेरा तो नाम जो है ना बुशरा बाजी ने रखा हुआ, जोड़ तोड़ का बादशाह, क्योंकि वो अचानक कहती है ये जो तुमने बेड कवर बनाया ये तो मेरी एक नीस तो लग रही है। आपको एक निकनेम रख दें गाड़ी जी, आपकी कमीज से बना है? हाँ नहीं, इसलिए कि वो मैं, मुझे उन्होंने करारा दिया, उसको उधेड़ा मैंने, मैंने पहनना है तब से बहुत मोटी साड़ियों के बड़े करारे, तो मैंने उनको ना उसको सोचा क्या करूँ इसका, मैंने जारा के बेडरूम का पूरी पाइपिंग्स और उसके लैंप बना लिए सिल्क के ना, और पता नहीं क्या क्या बना लिया। मुझे अब मेरा करारा लग रहा है, करारा था उनका, करारा ही था। और जो शर्ट थी ना उसके यहाँ काम था, यहाँ काम था, वो यहाँ वाला काम जो था वो मैंने वो नेक रोल पे लगा लिया, और जो यहाँ वाला काम था वो तकियों के साइड, वो तो परेशान सर। तो आप ये बोले ना कि आप वो जहेज की और बरी की चादरें भी तैयार करते हैं? बाजी बुशरा के दुपट्टे, उनके बेड कवर बनाए, बीच में वो लगाए काम वाले दुपट्टे। हमारी बातें चल रही हैं, आप जाएं ब्रेक पे। गुड मॉर्निंग। अच्छा और बताएं। हाँ, फिर वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, अब मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब, जो के चेयरमैन एंड ओनर ऑफ कमांडर बिल्डर्स SMC प्राइवेट लिमिटेड भी हैं। 30 साल तक उन्होंने पाकिस्तान नेवी में एज अंडर वाटर वारफेयर स्पेशलिस्ट सर्व किया है, और अब वैसे ये एक रिनाउंड एजुकेशनर्स भी रह चुके हैं, और अब ये वेल रेप्यूटेड बिल्डर एंड डिवेलपर भी हैं। सो इनसे सवाल करते हैं, जो इनका प्रोजेक्ट है उसको लेके, जिसका नाम है, इन्होंने शुरू किया है, जिसका नाम है कमांडर बिल्डर्स SMCP प्राइवेट लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है जी। जी, आपका विजन 2040 क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब बचपन था तो उस वक्त एक जज्बा था कि इस मुल्क की खिदमत की जाए जी। और उस वक्त जो बेस्ट मैंने देखा कि मुझे फ़ौज में जाना है और इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी है। बिल्कुल, क्योंकि एक फैमिली बैकग्राउंड था, वालिद साहब भी ऑलरेडी फ़ौज से ताल्लुक़ रखते थे,
तो वो उस जज्बे के तहत मैं फ़ौज में आया। फिर मैंने एक लंबा टाइम गुजारा फ़ौज में, और जब मैंने देखा कि इस मुल्क का जो निज़ाम है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, और फ़ौज से हट के और क्या मैं इस मुल्क के लिए कर सकता हूँ, किस तरह सर्व किस तरह मैं बेहतर और बेहतर तरीके से सर्व कर सकता हूँ, तो फिर मैंने कोई 5-6 साल की मेहनत से एक विजन डिवाइस किया जिसका नाम मैंने विजन 2040 रखा। तो उसमें ये था कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है गुर्बत और जहालत, जब तक ये इस मुल्क से ख़त्म नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये मैंने जो है इसको विजुअलाइज किया, और ये गुर्बत और जहालत इस मुल्क से मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ उसके लिए मैंने विजन 2040 बनाया। फिर मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली, वक्त से पहले मैं रिटायर हुआ और मैंने इस विजन पे काम करना शुरू किया। अब मेरे सामने जो दुश्मन थे वो गुर्बत और जहालत थे। पहले मेरे सामने दुश्मन हिंदुस्तान या जो भी उसको हम, तो वो हम पढ़ते भी थे एज अ सब्जेक्ट, नो योर एनिमी, ठीक है। तो ये मैंने जब ये जंग शुरू की गुर्बत और जहालत के ख़िलाफ़, तो उसमें मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बरकतें मिली। अच्छा, ये विजन ये है कि एक चारदीवारी के अंदर एक ऐसा निज़ाम लाया जाए और लोगों को उस चारदीवारी में बसाया जाए, जो हमारी ख्वाहिश है कि इस मुल्क का निज़ाम हर किसी का ख्वाब है, घर बन जाए। तो जो हम सब का ख्वाब था घर से हट के एक निज़ाम का, वो मैंने प्लान किया और 10 लाख घर प्लान किए कि 50 लाख लोगों को एक चारदीवारी के अंदर मैं ले आऊं और फिर उनको गुर्बत और जहालत से निजात दिलवाऊं। ये विजन 2040 है कि बाय ईयर 2040 इस मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बना दूं मैं। मतलब ये विजन मैं लेके चला, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 सालों में जब से इस पे काम शुरू हुआ है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। और इस वक्त कराची से हमने स्टार्ट किया है कमांडर सिटी, उसको हमने नाम दिया। अच्छा। उस बस्ती को जो पूरे पाकिस्तान में हर शहर के साथ होना है। तो कराची से हमने स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पे 300 फैमिलीज बस रही हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, इतनी महंगाई में आपने शुरुआत की है, तो इतना बड़ा विजन आप कैसे लेकर आए कि इतनी महंगाई में आप कैसे उनकी गुर्बत को दूर कर पाएंगे? देखें, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर करती है वो आपकी नीयत है। बिल्कुल। अगर आपकी नीयत खालिस है, अगर आपके अंदर लालच नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मैंने नीयत को खालिस रखा, इरादे को फौलाद की तरह मजबूत रखा कि मैंने पीछे नहीं हटना और मैंने खिदमत खल्क करनी है, ठीक है, और उसमें मुझे सबसे सस्ते घर देने हैं, मुझे सबसे सस्ती एजुकेशन देनी है, मुझे सबसे सस्ता मेडिकल केयर देना है। तो उसमें मैंने अपने प्रॉफिट को ज़ीरो कर दिया कि मुझे कमांडर सिटी से प्रॉफिट नहीं लेना। अब जब कोई ये सोच ले कि मुझे यहाँ से फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लेना, तो इसका मतलब आप सबसे सस्ती चीज़ लोगों को दे सकते हैं। तो मैंने 12 लाख में बंगला अनाउंस किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको फिर बना भी लिया, ठीक है। तो 12 लाख में इंडिपेंडेंट हाउस से मैंने स्टार्ट किया, 600 लोगों ने वो घर बुक किए, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो घर बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन मटेरियल के प्राइसेस तो इतने अनस्टेबल होते हैं, तो इसी वजह से आज उसकी कीमत 25 लाख हो गई ना, अनफॉर्चुनेट। जो मैंने 12 से शुरू किया और मेरा इरादा था मैं सबको 12-12 लाख में घर देता जाऊंगा, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया, आज मुझे उसको 25 करना पड़ा। और इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए? ठीक, प्रॉब्लम देखें, सबसे बड़ा जो हर्डल होता है जो भी कोई अच्छा काम करते हैं, तो जाहिर है इस मुल्क में मुल्क दुश्मन अनासर बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपकी टांगे खींचने वाले, आपसे वो जेलस होते हैं लोग कि भाई ये क्यों आगे जा रहा है ये, तो वो एक वो कुवतें हैं जिनके ख़िलाफ़ मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आपकी नीयत खालिस होती है तो रब बरकतें ले आता है, ठीक है। वो एक आयत कुरान पाक की मैंने आवेज़ा की है हर जगह, लिल्लज़ीन आसनू फ़ी हाज़े दुनिया हसना, जिन्होंने भलाई की उनके लिए दुनिया में भलाई है। तो अब चूंकि मैं भलाई कर रहा हूँ तो मेरे लिए दुनिया में भलाई का जिम्मा अगर रब ले रहा है तो फिर मुझे डर खौफ नहीं है किसी का भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्लोरिश कर रहा हूँ और बड़ी तेज़ी से फ्लोरिश कर रहा हूँ। ये बरकतों की वजह से लोग आ रहे हैं, स्कूल चल पड़े हैं, ट्रांसपोर्ट चल पड़ी है, हॉस्पिटल चल पड़े हैं, और एक बेहतरीन निज़ाम। आपने एक और चीज़ मुझे बताई थी अभी जब हम आपसे बात कर रहे थे कि बेवाओं के लिए भी और ऑर्फन्स के लिए, ये डिसेबल
लोगों के लिए भी आप काम कर रहे हैं, आपकी जो आप गैलेक्सी डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं हम, उसके अंदर हमने 5% घर फ्री कर दिए हैं। 5% तो मतलब 50,000 घर हमने फ्री देने हैं बेवाओं को, यतीम बच्चों को और माजूर अफराद को। तो ऑलरेडी वो रजिस्ट्रेशन हो रही है। अच्छा। मेरिट पे हम दे रहे हैं, हम कुछ घर दे भी चुके हैं। अच्छा। जैसे जैसे बनते जा रहे हैं हम दे रहे हैं। और हाँ। सिर्फ हम घर नहीं दे रहे, हम उनके बच्चों की कफालत, उनकी जो एजुकेशन है वो सारी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। इस हाँ। वक्त हमारे सिटी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री डायलिसिस सेंटर जो है वो बनना शुरू हो रहा है। रहमान फाउंडेशन को मैं जो है उसको भी देख रहा हूँ, तो ऑलरेडी वो काम एक अच्छा कर रहे हैं। इस वक्त गवर्नमेंट से कोई हेल्प मुझे ऐसी मैं फोर्स ही नहीं कर रहा मुझे चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट अगर अपना काम कर ले कि जहाँ जहाँ हमें अप्रूवल चाहिए होते हैं, अगर उसमें हमें आसानी दे दे, पानी बिजली गैस लोगों का हक है, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट दे दे, लेकिन वहाँ पे भी मुश्किलात हैं हमें, इसलिए हमें अपना सिस्टम बनाना पड़ रहा है। बिजली हम अपनी जनरेट कर रहे हैं, पानी का सिस्टम हमारा अपना है। अच्छा। ये सब हमें अपना करना पड़ रहा है। हाँ। क्योंकि देखें, मुझे तो एक कंफर्टेबल लिविंग देनी है ना। जी, जी, अगर गवर्नमेंट से मुझे चीज़ नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी एफर्ट ना करूँ। तो मुझे सस्ती बिजली देनी है लोगों को। इस वक्त जो बिजली के लोग वहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के टैरिफ से कम है, ठीक है। तो हम आसानियाँ दे रहे हैं लोगों को, हमने वहाँ सुपर स्टोर बनाया है जिसपे कोई प्रॉफिट नहीं है किसी चीज पे भी। अच्छा, जो गवर्नमेंट की लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटी है, जी जी, उससे आपका प्रोजेक्ट किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए, मेरा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना उससे, क्योंकि ये तो रियल लो कॉस्ट है ना। अच्छा। अब गवर्नमेंट तो 12 लाख में बंगला नहीं दे सकी, मैंने दे दिया। हाँ। क्योंकि फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये वन मैन शो है, मैं अकेला मालिक हूँ। हाँ। मैं अकेला डिसीजन लेने वाला हूँ, मैं 2 मिनट में डिसीजन ले लेता हूँ। गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं वो बड़े पेचीदा हैं। हाँ। वहाँ पे अगर कोई अच्छा काम करना भी चाहे तो उसमें हर्डल्स और प्रॉब्लम्स इतने हैं कि आज देखें 3 साल होने को हैं और कोई लो कॉस्ट सामने नहीं आ पा रहा, उसके फिर मसाइल यही है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि वन मैन शो है, सिर्फ एक शख्स ने डिसीजन लेना है, इसलिए क्विक डिसीजन मैं लेता हूँ और बड़ी तेजी से ये आगे जा रहा है। फिर अच्छा, पैसों की अदायगी का सिस्टम क्या रखा है आप? जी जी, देखिए मेरे पास मुख्तलिफ स्कीम्स हैं। मेरे पास एक ऐसी स्कीम भी है जिसको हम लो कॉस्ट हाउसिंग कहते हैं, उसमें जो है ईजी होम फाइनेंस, लो कॉस्ट हाउसिंग में ईजी होम फाइनेंस, उसमें आपको 20 साल में पैसा अदा करना है। अच्छा। तो लगभग जो किराया आप दे रहे हैं, अगर आप उतना हमें दें तो हम आपको घर दे देते हैं। तो अब मैं लॉन्च कर रहा हूँ फरवरी में एक प्रोजेक्ट जिसमें मैं 16 लाख का अपार्टमेंट दे रहा हूँ। अच्छा। लेकिन आपको 16 लाख देने नहीं है, आप जितने दे सकते हैं दे दें, बकाया इजी होम फाइनेंस। फॉर एग्जांपल, अगर 16 लाख में आपके पास 8 लाख है, आप 8 दे देते हैं, मैं आपको अपार्टमेंट दे दूंगा, 8 लाख आपको मैं लोन करूँगा 8,000 रुपये महीना, जो मेरा ख्याल है हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, ठीक है। तो जो बेसिक यूनिट है मैंने 16 लाख कीमत रखी है, आप दे नहीं 16, जितने दे सकते हैं दे दें, बाकी लोन है मेरी तरफ से उतने हजार, जितने लाख लोन होगा उतने 1,000 रुपये महीना किस्तें आपकी। तो मेरा ख्याल है हर लोअर मिडिल लोकेलिटी किधर है, मतलब कहाँ है ये? मोटरवे पे DHA सिटी के बाद लेफ्ट साइड पे कमांडर सिटी है। अच्छा, इसको हमने शटल सर्विस से कनेक्ट कर दिया शारे फैसल से। अच्छा। तो सुबह 6 बजे से रात 6:30 बजे तक शटल चलती है। ओके। ट्रांसपोर्ट हमने दे दी है, मेडिकल केयर हमने दे दी है, स्कूल हमने दे दिए, अंदर चल रहे हैं, ठीक है, बेहतरीन अंदर निज़ाम दे दिया है सफाई का। घर कितने बड़े हैं? घर देखें, हमारा 80 गज का बंगला सबसे छोटा है इंडिपेंडेंट बैंगलोर में, फिर 160 गज है, 120 गज है, 240 गज है, अब 250 गज और 500 गज भी शुरू कर दिए हैं। अपार्टमेंट्स में बेसिक हमारा यूनिट 2 रूम अपार्टमेंट है, फिर 3 रूम अपार्टमेंट। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा काम ये है कि जैसे लाइक अगर मुझे अपनी हेल्प के लिए जो बहुत सालों से मेरे पास काम करें उनके घर नहीं बनते, सो अगर लाइक मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं वो अपनी हेल्प के लिए या जो भी ऐसे आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जो आप जेन्युइनली जानते हैं जरूरतमंद है, हम उनको खरीद के दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और इजी होम फाइनेंस में तो मैंने इसको बहुत इजी कर दिया है कि आप 20 साल में अदा करें, ठीक है, आपको वहां मैं जॉब्स भी दे रहा हूं। जितने ऐसे बहुत सारे लोग मददगार हैं जो चाहते हैं लेकिन उनको इस तरह की कोई चीज मिल नहीं रही होती, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक साथ भी लंगसम भी आपको पेमेंट कर सकते हैं ताकि वो उनके इर्द गिर्द के जानने वाले लोग जो जेन्युइन हैं जिनको जरूरत है उस चीज की, वो
तो बिल्कुल फिर घर से हट के अगर मैं इकोनॉमिक पावर इस दुनिया को मैं बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान को, तो मुझे फिर बिजनेस में आगे लाना है बच्चों को। जी जी। तो जितने बच्चे कमादे सिटी के हैं उन सबको मैं बिजनेस में ग्रूम कर रहा हूँ, उन्होंने बिजनेसमैन बनना है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, जो जो कतरा कतरा समंदर बनाता है ना, जो अपनी मेहनत की कमाई जो है वो कहीं इन्वेस्ट करता है, वो एक डरता भी है वो कि हम क्या यहाँ जो हम इतनी मेहनत से दिन रात एक करके कमा रहे हैं, क्या हम यहाँ इन्वेस्ट करें या नहीं? सो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, खासकर जो लास्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का हुआ नेस्ले टावर गिराने का, इसके बाद बहुत इंडस्ट्री में बुरा वक्त आ गया, ठीक है, एक मिस्ट्रस्ट डेवलप हो गया, ठीक है। अब मैं उसको मिस्ट्रस्ट को कैसे ख़त्म कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ घर आप मुझसे ले लें, पैसे 20 साल में दें, ठीक है। एक तो ये कि मैं आपको सेव कर रहा हूँ और ख़ुद रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा ये कि जो सारे NOCs हैं वो हमारे पास जो लीगल मौजूद हैं वो हम दिखाते हैं तमाम क्लाइंट्स को, और उसके बाद घर उसके नाम ट्रांसफर करते हैं, जो सबसे बड़ी बात। इस वक्त लीज हो गए हैं घर कमाले सिटी के गवर्नमेंट से, लोगों के नाम पे लीज होना शुरू हो गया। ये सबसे आखिरी स्टेप होता है जो बिल्डर करता है, और वही बिल्डर करेगा जो अंदर से साफ है, वो कहेगा सबसे पहले लीज हो जाए ताकि मेरी हाथ से ये उनके हाथ में चले जाए। अच्छा, आपको कॉन्टैक्ट कैसे करें? बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे होंगे, सो वो आपको कॉन्टैक्ट किस commanderbuilders.com, ठीक है, उस पे चले जाएं, वेबसाइट पे चले जाएं, उस पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ चल भी रही हैं, अगर आप देख के प्रॉपर नोट करना चाहें या पिक्चर खींच ले, अगर एकदम होता है ना आपको ना, तो अपने मोबाइल से सबके हाथ में, तो पिक्चर खींच ले, नंबर्स भी चल रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ा एक्सपो हम कर रहे हैं एक्सपो सेंटर कराची में, 18, 19, 20 फरवरी, 3 दिन होगा, उसमें हम ये लो कॉस्ट के बहुत सारे पैकेजेस ला रहे हैं गरीब लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगा कि वहाँ पे लोग आए, ठीक है, एक्सपो में जाएं पहले, हम वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, घर देखें पहले और आके हमसे चाबी ले लें, ठीक, पैसे बाद में। तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि आपको तैयार घर हम दे रहे हैं, और पैसे या 40 मंथ स्कीम है 40 मंथ में दें, या 20 स्कीम है 20 साल में दें, तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट दे के आप घर में शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इंजॉय करें जी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। मुझे लगता है कि आज के सुबह के शो से आपका दिन बना दिया हमने अच्छा, बाकी दिन की जिम्मेदारी आपकी, और कल मिलेंगे हम दोबारा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी बल्के झूम के हवा के साथ झूम के गोल गोल घूम के चहचहा।